अभी जैसे गैर रवायती तौर पर जब हम बैठे बात कर रहे थे तो ये बात हुई कि देर इज़ अ गैप बिटवीन सी डिग्री एंड प्रैक्टिस, और ये नहीं कि यहाँ पर ही है, जैसे बड़ा अच्छा भाई ने कहा कि बाहर भी ऐसे नहीं होता कि डिग्री लिया और बस आपको मैदान में धकेल दिया गया, दरमियान में कुछ वक्फा दिया जाता है जिसमें आप चीज़ों को प्रॉपरली सीखते हैं, यहाँ ये अमल नहीं था। मैं हैरान हूँ, हम आए तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे समंदर में किसी ने फेंक दिया, और कोई आदमी हम ये नहीं कह सकते कि मछली के बच्चे थे तो बस समंदर में फेंका तो खुद ब खुद तैरना आ गया, ऐसा नहीं होता। अहमद ने जो ये काम किया है, मैं तारीफ़ किए अलावा ये नहीं कि चूँकि उन्होंने मेरी तारीफ़ कर दी तो मुझे भी करना चाहिए, ये बहुत ही चंद उन लोगों में से है जिन्होंने वाकई ये सोचा कि वो जाते वक्त क्या देंगे। तो जैसे उन्होंने कहा हमारी पिछले हमारे बुज़ुर्ग हैं बड़े हैं हमारे सब ने प्रैक्टिस किए, मगर ये बात दुरुस्त है कि वो उनकी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेनली हमने देखा कि उनकी ज़ात तक महदूद रहा, उनके चैम्बर तक महदूद रहा, उनके अजीज़ो अकारब तक महदूद रहा, और उसका फैज़ बहुत दूर तक नहीं गया। अब हम ये देखते हैं, जब मैं यह देख रहा हूँ माशाल्लाह चेहरे हैं, नए लोग हैं बैठे हैं और कुछ बात करने की कोशिश की जा रही है। अहमद ने जो बहुत अहम बात की है, दिस इज़ योर ब्रेड एंड बटर एंड दिस इज़ योर ब्रेड एंड बटर फॉर ऑल द टाइम्स टू कम। ये नहीं है कि ये कोई आज कोई दिहाड़ी लगाने का कोई सिलसिला है, दिस इज़ नॉट अ जॉब, दिस इज़ नॉट अ, ये तो पूरा ऑक्यूपेशन ज़िंदगी गुजारने का तरीकाकार है। ये यूँ नहीं है कि बस काला कोट पहना तो वकालत में आ गए, अनफॉर्चुनेटली ये तासुर बन ज़रूर गया है। इसी तासुर की नफ़ी है ये जहाँ संजीदा गुफ्तगू हो रही है, और चूँकि हमें अपने मेयारात का अंदाज़ा है, बिल्कुल क्लैरिटी से अंदाज़ा है, मैं भी इसी सिस्टम से पढ़कर आया हूँ, हमें पता है कि वहाँ पर कैसे मामलात किए जाते हैं, पेपर चेक कैसे होते हैं, पेपर बनाए कैसे जाते हैं, चीज़ों को देखा कैसे जाता है, उसकी वजह से हम देखते हैं कि ज़ाहिर है एक्सलेंस प्रोड्यूस नहीं हो पाता। अब मैं इसको करता हूँ मुख्तसर और हम आते हैं चीज़ों की तरफ। जैसे अहमद ने बहुत उमदा बात की, अहमद भाई ने ये जो दो तीन चीज़ें आज हम डिस्कस करने लगे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं और वो सिविल की ख़ास तौर पे प्रैक्टिस है, वो चैम्बर वर्क है या कोर्ट, ये जहन में रखिए कि पुराने मकबूले के मुताबिक गुफ्तगू और झगड़ा हमेशा जर ज़मीन के आसपास कहीं घूमेगा। सो अगर आप ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स के बारे में और इनके अंदर जो मामलात हैं उनको निगाह में नहीं रखे हुए, और आप उनके बुनियादी जो मुबादिया यानी जो उनकी बेसिक्स हैं उनसे आगाह नहीं हैं, उस कानून से वाकिफ़ नहीं हैं, उसको लिखने के ढंग से वाकिफ़ नहीं हैं, आप यकीन कीजिए ना आप चैम्बर वर्क में कामयाब होंगे ना आप अदालत में एक लम्हे के लिए भी वहाँ पर स्टैंड कर सकेंगे, दिस इज़ इम्पॉसिबल। और ये ख्याल कुछ लोगों को यहाँ पे आना शुरू हुआ है हमारे दोस्तों को कि जी कॉरपोरेट भी कोई चीज़ होती है, कॉरपोरेट इज़ अ ब्रांच ऑफ सिविल लॉ, गुजर के बहरहाल आप यहीं से ही जाएंगे। जिस आदमी को इस बुनियादी बात का मालूम ना होगा वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। आप लोगों को मालूम हुआ कि व्हाट्सएप पर भी भेजा गया है, और दूसरा भी मैं चीज़ों को बिल्कुल गैर रवायती अंदाज में लेकर चलने का आदी हूँ, लेक्चर ना ये है ना हो सकता है, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स। इस प्रोफेशन में बकायदा एक जेलसी का पोर्शन रहा है एक ज़माने तक, हमने खुद उसको देखा है, कानों से सुना है, आंखों से देखा है कि भाई ज़्यादा बताओ नहीं किसी को, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग, हाईली टेक्निकली वी आर ऑल कंपेटिटर्स। यहाँ से जब आप निकलेंगे और आपके पास लाइसेंस होगा, मैं बटालवी साहब का शागिर्द रहा हूँ, एक ज़माने में कॉलेज में पढ़ाते थे, तो उन्होंने कहा दिस प्रोफेशन विल गिव यू अ चांस टू स्टैंड अगेंस्ट मी ऑन द फर्स्ट डे, आपको कोई दे दे केस तो आप साथ खड़े हो जाइए, मेरे 20 30 50 साल एक तरफ हो गए और आपके भी एक तरफ हो गए। तो यहाँ ये एक गुमान रहा है कि यार ज़्यादा नहीं बताना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल कंपेटिटर्स, दे आर ऑल लॉयर्स, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, अगर शागिर्दी में भी आ गया है तो ज़रा थोड़ा। तो यहाँ मैं फिर कहूँगा कि ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन और जो ये सारा प्लान करके अहमद भाई लाए हैं, दिस इज़ रिमार्केबल, नेवर हर्ड ऑफ दैट। इतनी देर हो गई, सेकंड थर्ड जनरेशन है, इतनी देर हो गई
वकालत में नहीं सुना कि भाई यार इस तरह का अहतमाम भी किया जाता है और इदारे की तरफ से किया जा रहा है, अगर अब भी कदर नहीं होगी, आप यहाँ से भी नहीं ले जा सकेंगे, तो आप को अंदाज़ा होना चाहिए कि कितनी बड़ी चीज़ को आप मिस कर रहे हैं। मैं बिल्कुल गैर रवायती अंदाज में आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें लेकर चलता हूँ। यहाँ मुझे कुछ रोल बांटने की भी आदत है, उसको प्रैक्टिकली डेमोंस्ट्रेशन करने की, कि मैं ठीक से बता सकूं कि ये क्या बात हो रही है। थोड़ा सा मुझे ज़रा ज़रूर अंदाज़ा दीजिए कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का किस्सा होगा तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा। जस्ट हम जरा थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि वे डू वी स्टैंड एंड देन वी कैन स्टार्ट स्टेट अवे फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बट इट्स टू बिग। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मीन्स वॉट, यानी उसकी कोई खास प्रोविजन है कोई कि बस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बट इट्स टू बिग। व्हेन यू से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट फाइन, आपने ब्रैकेट को एक ब्रैकेट क्लोज तो की, लॉ तो बहुत बड़ा था, पर अब आप एक नई बात लाए हैं कि नहीं सर बाकी तमाम किताबें तो एक साइड पर, देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज द मेन। उसमें से क्या विच सेक्शन, अभी तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी की बात हो रही थी, 2012 का कहां से आ गया। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कॉन्सेंट्रेट, जब एक बात करें पहले उसके पीछे जाइए। व्हाट अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जी सर आपने कुछ बोला, सेक्शन 54, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है, सेल तो है, कुछ निगाह से गुजरने का इत्तेफाक हुआ, सामने है कि आपके, सामने आ गया है आपके, अब ये मेरी है ना, अच्छा चलिए रटी रटाई बात तो आपने कहीं लिखी होगी और पेपर पास किए होंगे। मैंने तो गिफ्ट की बात ही नहीं की, देखिए वकालत में एक चीज को बिल्कुल क्लियर रखिए, यू कैन हैव ऑल द केक पर फिलहाल तो वट एवर द पीस यू हैव इन द प्लेट लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। अभी तो मैंने आपके सामने एक स्लाइस काट के प्लेट में रखा है, ना मैंने मेरे कुर्बो जवार से ये लफ्ज़ गुजरा हो गिफ्ट का, अल्लाह मुझे माफ़ करे, बिल्कुल कोई बात नहीं मैंने की। इस वक्त तो हमने सेक्शन 54 के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मामले को जस्ट टच किया है, उसमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली गिफ्ट जो है वो नहीं है। नहीं, अब एक कॉमन सेंस से हम, लॉज नथिंग बट कॉमन सेंस, ये भी एक अंदाज है सोचने का आम आदमी के लिए है, डूज और डोंट्स बहुत दूर नहीं चले जाते, बहुत हाईली फिलोसफिकल नहीं होता, लगता है कि होगा होता नहीं, और बहुत ज़्यादा हाईली फिलोसफिकल हो तो इस पर अलग से एक बहस हो सकती है कि वेदर दिस इज अ गुड लॉ और बैड लॉ, बिकॉज वो डूज और डोंट्स को उस तरह से बड़े क्लैरिटी के साथ वाजे नहीं कर रहा। जस्ट टेक स्टैंड्स, जस्ट पुट योर सेल्फ इन दैट पोजिशन, जस्ट बी अ सेलर, जस्ट बी अ परचेजर, फिर बात करते हैं ना, फिर देखते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज क्या कहती हैं और आप एज सेलर और बायर कैसे लेकर चलते हैं। वेन एवर यू आर देयर, जिंदगी में भी अदरवाइज सिचुएशंस में अपने आप को डालिए और देखिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता और कैसे होना चाहिए, हाउ इट शुड बी। So who's going to be the buyer and who's going to be the seller? Any volunteers? Anyone? मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं यहाँ सेल की डेफिनेशन सामने पढ़ी है, वो लिखी हुई है, आप में से किसी को कहूँ कि जस्ट रीड इट एंड देन आई कैन एक्सप्लेन इट, बट देन प्रोबेबली दिस हैपेंड व्हेन यू वर इन मे बी पार्ट टू और पार्ट थ्री, वेन एवर, ये तो हो चुका है, इससे ही तो आगे जाना है। सेल की डेफिनेशन, सेल के वो क्या है, प्रोबेबली आई फील कि ये तो आपको मालूम है और इससे आगे जाना चाहते हैं हम। सो हु इज गोइंग टू बी द बायर, हु इज गोइंग टू बी द सेलर, फिर मैं ये डीप पढ़ना चाहता हूँ कैसे लेके चलें इसको। जी सर क्या बनेंगे, यू वॉन्ट टू परचेज समथिंग, यू वॉन्ट टू परचेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी वन हु इज गोइंग टू बी द सेलर, आप चलिए ठीक है फाइन। वेन एवर सी, अब आप ये दो आपको मालूम हो गया ना कि
इज द वन हु इज गोइंग टू सेल दिस प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है और आप हैं उसके बायर. नॉर्मली हाउ दिस स्टार्ट्स, नॉर्मली एक आदमी जब दूसरे से मिलता है और किसी खास गरज से मिलता है तो कैसे गुफ्तगू का आगाज किया जाता है. अब आप जहन में बैठिए, अब आप लॉयर हैं, एक तीसरा आदमी ये बैठा हुआ है, लॉयर आप बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, इस सारी इस ट्राइका को सबको सामने लेकर चलें और कॉमन सेंस से देखिए कि ये बहेगा कैसे, फ्लो कैसे बनेगा. और कॉमन सेंस से लॉजिकली इसका फ्लो बनना चाहिए और ये बनेगा. मैं सब चीज़ें काट के स्ट्रेट अवे आपको एग्रीमेंट टू सेल पे ले जा रहा हूँ. आई हैव नो आइडिया कहाँ पड़ा हुआ है जी, फॉर द टाइम बीइंग पलट के फिर वापस आएंगे. हजूर एक लम्हे के लिए आप दो पहली दफा मिले हैं तो आपको क्या करना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, हाउ यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. इट इज एब्सोल्यूटली सेम इन अ लीगल डॉक्यूमेंट, हाउ यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद एनी पर्सन जिसे आज आप मिले हैं और एक खास मकसद के लिए मिले हैं. कॉन्वर्सेशन का स्टार्ट कैसे करेंगे, कम ऑन भाई जवाब दीजिए. इंट्रोडक्शन होगा, दैट्स फाइन फेयर. कितनी कॉमन सेंस की बात है. अब मैं एज लॉयर बैठा हुआ हूँ और आप दो को देखता हूँ तो मैं ऑब्वियसली इस बात को नोट डाउन करता जाऊंगा. जाहिर है मुझे तारुफ करना चाहिए आपसे, मैंने शेक हैंड हुआ आप दोनों का, अस्सलाम वालेकुम, मैं जनाब फला हूँ, आई एम द वन, मेरा नाम ये है. क्या नाम है भाई आपका? उस्मान मियां ने अपना तारुफ कराया. और आप, हाउ कुड आई नो दैट यू आर शहजाद और उस्मान, सॉरी, दैट्स राइट. नाउ अब देखिए, अब इस कमरे में कोई ऐसी बात नहीं होगी, इससे पहले भी नहीं होगी, जो लॉ के वेब से बाहर जाए. मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया वेब, लॉ इज लाइक अ वेब, ये इस तरह नहीं है. कैसे मालूम हो कि आप उस्मान ही हैं? आपने बड़ी उम्दा बात की कि जी मेरा, आप CNIC देखें, कंप्यूटराइज नेशनल, वो जो एक ID कार्ड है, इसको सेंक्टिटी कहाँ से मिलेगी, ये कहाँ से आया आपके यजीन में? ख्याल कौन उस्मान, कहाँ का उस्मान, उसमें एक बाकायदा नंबर दिया हुआ है. बहुत सारे उस्मान हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी वल्दियत मिल सकती है. देर कैन बी अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी. आपके केस में नहीं होगी बिकॉज जो नंबर आपको अलॉट हुआ है दैट इज यूनिक, दैट इज ओनली अलॉटेड टू यू, सेम इज द केस विद हिम. तो आप यहां जरा सामने देखिएगा, बाय एंड बिटवीन से ऊपर वाला एग्रीमेंट टू सेल को फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दीजिए एक लम्हे के लिए. पहले बायर और सेलर अपना तारुफ कराएंगे, दे विल टॉक विद ईच अदर, अपना अपने अपना नाम, अपने वालिद का नाम, और आप दोनों आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी नहीं है, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी नहीं है, आप नेचुरल पर्सन हैं. एनीबॉडी वुड लाइक टू, के भी इन दोनों में फर्क क्या है? अच्छा ठीक हो गया, ओके हो गया, आप कहते तो हम फॉर द टाइम बीइंग इसको बोल करते. जब आप एक खास तरह की शिनाख्त से गुजरे हैं एंड यू हैव अ यूनिक ID नंबर विद यू, सेम इज द केस विद हिम, उनकी भी पहचान बड़ी डेफिनेट है और ये पहचान खुद साख्ता नहीं है, एक बाकायदा कानूनी अमल की के नतीजे में सामने आई है. ये बाकायदा पाकिस्तान की शहरियत का ऐलान हुआ है, इसके पीछे लॉज देखिएगा, नादरा का लॉ, पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट, फलां चीज, ये एक छोटी सी बात जो तारुफ की है, जस्ट शेकिंग हैंड्स विद ईच अदर, इसके पीछे कवानीन का पूरा एक सिलसिला मौजूद है. ये CNIC किसी गैर पाकिस्तानी को टेक्निकली जारी नहीं हो सकता. अब आपके पाकिस्तानी बनने का अमल, आपके अबाव अजदाद से लेकर आप उस, ये सारा किस्सा कहानी फैमिली नंबर इस एक छोटे से उसमें आ गया है.
अब आप देखिए कि ये सामने लिखा हुआ, यहाँ जो मेरे सामने फॉर्मेट है, यहाँ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, आप फॉर द टाइम बीइंग दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भूल जाइए, समझिए कि ये उस्मान मियाँ का जिक्र हो रहा है। पहले प्रॉपर्टी बेच कौन रहा है, उनकी उनका जिक्र पहले आना इसलिए ज़रूरी है कि राइट्स जो होंगे, राइट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने हैं, मूव करने हैं, फ्लो करने हैं फ्रॉम देयर साइड टू दिस साइड, तो पहले तारुफ होगा इनका। तो ये आप देखिए, आपके सामने कहीं दिखाई दे रहा होगा, और आपके पास अगर वो व्हाट्सएप वाला सिलसिला है तो उसको भी खोल के आपके सामने रखिए, उसमें आप देखेंगे पूरी बात लिखी हुई है, कौन किसका बेटा कहाँ रहता है, आईडी कार्ड नंबर क्या है। और फिर एक असूली बात, गुफ्तगू के आगाज में डिफाइन कर लीजिए ताकि बार बार चीज़ों को रिपीट ना करना पड़े, उसका एक नाम रख दीजिए, यहां उसका नाम रख दिया गया सेलर। अब तमाम गुफ्तगू में टिल द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट सेलर का यही मतलब लिया जाएगा। एस कैपिटल क्यों लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब होता है, जब कहीं तक कभी कभार एक छोटा भी इस्तेमाल कर देते हैं डॉक्यूमेंट में। हमें तो आधा है भाई, तो बता सकता दोस्त नहीं। देखिए ये चीज नोट कर लीजिए, यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी भी डिफाइन हो रही है कैपिटल पी के साथ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब आप डिफाइन करते हैं कोटेशन मार्क्स में, अगर आप आइंदा कभी भी कैपिटल एस से सेलर लिखेंगे उसका मतलब है जो डिफाइन हुआ हुआ है, छोटे एस से लिखेंगे तो कोई और सेलर भी हो सकता है। एब्सोल्युटली राइट, ये दैट इज व्हाई यू आर डिफाइनिंग, ये इंपॉर्टेंट दोस्त बहुत गलतियां वगैरह बीच में करते हैं, और ये कोटेशन मार्क्स के अंदर करने का मतलब है कि इसका आइंदा से ये हमने मतलब फिक्स कर दिया। कई दफा हेयर एंड आफ्टर रिफर टू एज ये भी नहीं लिखा होता, सिर्फ ब्रैकेट में आप ब्रैकेट में द सेलर लिख देते हैं, तो और कोटेशन मार्क्स में लिखा होता है इसका मतलब है आइंदा जब भी कैपिटल एस से आप सेलर लिखेंगे इसका मतलब ऊपर डेफिनेशन अवेलेबल है, और वो वाली डेफिनेशन इस डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल होगी। ये बहुत ज़रूरी है, एक एस छोटा या बड़ा करने से बहुत फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल आप सही फरमा। देखिए फिलोसफिकली गुफ्तगू के आगाज में तमाम वो चीज़ें जो एस टर्मिनोलॉजी यूज होनी है और उनका डिफाइन कर दिया जाना बहुत ज़रूरी है, वरना होगा क्या कि मैं जिस चीज़ से जो मुराद ले रहा हूँ आप वो नहीं ले रहे होंगे। इट्स नेसेसरी, आपने इस चीज़ को कहीं और भी देखा कि पहले से डिफाइन कर देते हैं और फिर ऑनवर्ड आगे चलते हैं, कहीं और देखा आपने ऐसा, कहीं किसी किताब में ऐसा देखा हो कि ये तरीका कार रखा गया हो कि उस किताब में जो आने वाले लफ्ज़ हैं वो अपने डिक्शनरी मीनिंग्स की बजाय उन मीनिंग्स में यूज होंगे एक्ट वगैरह में। दैट्स राइट, दिस इज आई वाज एक्सपेक्टिंग। हर एक्ट में होता है कि जनाब इस एक्ट में जब ये लफ्ज आए तो ये अपने नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग्स में इस्तेमाल नहीं होगा, एज टर्म यूज होगा और स्ट्रिक्टली उन्हीं मानों में इस्तेमाल किया जाएगा जो माने डिफाइन कर दिए गए। और अगर कोई लफ्ज वहां पर डिफाइन नहीं किया गया देन ऑब्वियसली जजमेंट्स हैं इस पर, और एक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का बेसिक प्रिंसिपल है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल डिक्शनरी जो उसके मीनिंग है वो उसमें शुमार हुआ था। यहां इसीलिए इसको डिफाइन कर दिया गया कि आइंदा जब सेलर हो तो सेलर से मुराद उस्मान साहब हैं, और इस प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में सेलर हैं वो, खरीदने वाले जो हैं वो शहजाद हैं, और वो ये नीचे उस तरफ वाजे कर दिया गया। अब फैसल भाई, ये डेफिनेशन के साथ उस्मान ही है कि ये आगे क्या ये लिखा हुआ है बीच में लीगल एयर? हाँ, जरा ये देखिए ये क्या है, इसके बारे में कोई राय दीजिए अपनी। जस्ट पे लिखा हुआ है वेयर एवर विच एक्सप्रेशन शेल वेयर एवर द कॉन्टेक्स्ट सो रिक्वायर्स इंक्लूड द लीगल एयर सक्सेसर इन इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव इन असाइंस। हाँ जी बिल्कुल, बयान कीजिए बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, क्यों आ जाएगा? अब बात थोड़ी आगे निकल जाएगी, बट वाई
देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं उस्मान, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं शहजाद, उनके बाद में आने वाले आप प्रेडेसेसर हो गए अगर फर्ज कीजिए, तो सक्सेसर इन इंटरेस्ट जो होगा, जिसका लफ्ज भी यहाँ इस्तेमाल हुआ है, उस पर बाइंडिंग क्यों होगा? यहाँ ये कहा जा रहा है कि सेलर का मतलब सिर्फ उस्मान नहीं है, सेलर का मतलब उसके लीगल हेयर्स, उसके सक्सेसर्स, उसके उसके नुमाइंदगान और वो बंदे जिनको ये असाइन करेंगे वो भी शुमार होंगे। सो ही इज़ नॉट दी ओनली उस्मान। अब यहाँ आके तो डेफिनेशन बिल्कुल आप देखिए, ये तारुफ का सिलसिला दूर तक फैल गया है, इसकी क्या जरूरत है भैया? किसके ऊपर क्रिएट हो रहा है? ठीक है, ठीक है, जो मेरे वर्सा हैं, लीगल हेयर्स हैं, एक जनरल क्वेश्चन है, क्या अपने प्रेडेसेसर के किए हुए काम का सक्सेसर इन इंटरेस्ट पाबंद है? दिस इज द क्वेश्चन नाउ। अच्छा, अच्छा आपने शहजाद एक खूबी है, इसको आपने कोशिश करना है कि खामी में बदले, यदि यह कि आप थोड़ा ड्रिफ्ट कर जाते हैं। अभी हम देखे प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, आपने लोन डाल दिया जल्दी से उसके अंदर, अब ला मुहाला मैं भी थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो जाऊंगा, गुफ्तगू जो है ना वो प्लस माइनस हो जाएगी। अच्छा फर्ज कीजिए प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट ने लोन लिया हुआ था, उनका इंतकाल हो गया, सक्सेसर इन इंटरेस्ट आए, दैट सक्सेसर इन इंटरेस्ट जो है इज ही लायबल टू पे? तो इसका मतलब है देन ही इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर दैट। आप अपनी बात को काट रहे हैं और कीजिएगा, देन इट मींस दैट द सक्सेसर इन इंटरेस्ट इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर द लोन व्हिच वाज अवेल्ड बाय द प्रेडेसेसर इन इंटरेस्ट। आपने जो बात अभी की है उसको अगर मैं ज्यादा ठीक से पुट करने की कोशिश करूं तो इसका मतलब है कि इफ वी विल इनहेरिट एन एसेट, जी अच्छा ठीक, बात बड़ी दूर चली जाएगी, तरका होता क्या है जी, लफ्ज से लफ्ज पकड़ने की कोशिश किया जाए, जो तर्क किया जाए, तर्क हो गया यानी जो छोड़ दे, इसमें से जरूरी है कि मिनहा किया जाएगा वो सिलसिला जो, खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां इसको खास तौर पे क्यों लिखा गया है? इसलिए जैसे आपने बयान किया इसको जरा ठोस तरीके से देखिए, लॉ में ये भी कोई इशू नहीं है कि आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, गलत बोलने में भी कोई हर्ज नहीं, और जो मैं कह रहा हूँ उसके भी सही होने की कोई कोई गारंटी नहीं है, जजमेंट कम्स एंड देन एवरीथिंग गोज विद दैट, एक नया व्यू आ जाता है और मैं सोचता हूँ कि अरे मेरे 15-20 साल का जो एक जितने वहमे थे और जो एक सेटल प्रिंसिपल ऑफ लॉ था जो मेरे जहन में था इज नो मोर देयर, तो हम ना शर्मिंदा होते हैं ना हमें कोई, बस ठीक है, दिस इज द न्यू सी लॉ जो आ गया है, आप डटकर अपनी बात कीजिए एंड देन यू आर नॉट सपोज टू बी, मतलब आप अपनी बात कीजिए, बताइए कि अच्छा ये हो गया। अब इसमें खास तौर पे क्यों कहा जा रहा है ऐसा कि मेरे मामलात में सेलर में उस्मान में उस्मान के तमाम वरसा भी शामिल हो गए, इस खास तौर पे बाइंडिंग इफेक्ट लाया जा रहा है, वाई सो? इस एग्रीमेंट पे एक बाइंडिंग फैक्टर लाया जा रहा है तमाम उन लोगों पर जो लीगल हेयर्स हैं, सक्सेसर इंटरेस्ट हैं या नुमाइंदा हो सकते हैं या जिनको ये असाइन कर सकते हैं मामला, वो भी उस्मान ही समझे जाएंगे। इसकी कोई खास वजह हो तो बताइए, नहीं तो हम आगे चलते, आगे जाके मालूम हो जाएगा खास वजह क्या है। मुनहरिफ तो उस्मान होगा ना, ठीक है, मुनहरिफ हो सकते हैं, इंतकाल भी कर सकता है सेलर,
अब ज़रा इसको आगे एक जगह आएगी उसके साथ आपने वो करना है, इसी ड्राफ्ट में एक जगह आएगी एंड बाय एंड बिटवीन। उस्मान का जिक्र खत्म हुआ तो अगला जिक्र किसका आ रहा है, ज़रा देखिए आपके सामने, शहजाद का, खरीदने वाले का। उसका प्रोटोकॉल भी वही रखा गया है, नाम पता वालिद का मालूम, सब CNIC, वही मामला वही तरीक़ेकार। इन डीड्स में, इन मामला में एक खूबी है, व्हेन यू स्टार्टेड, और जब आप कुछ अर्सा इस काम को करते रहते हैं, इट ये आपके हाथ पर बिल्कुल आसानी के साथ आ जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें रेपिटेशन है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप इससे आंख बंद कर लें और मक्खी पे मक्खी मारना शुरू कर दिया जाए। ये बिल्कुल वकीलाना हरकत नहीं है, बिकॉज एवरी केस डेफिनेटली उसके अपने मेरिट्स होते हैं, उनको अपने हिसाब से देखना पड़ता है। यहां आप देखिएगा कि दोनों को एक नीचे लाइन में दोनों को अलग से भी डिफाइन कर दिया गया है कि अगर दोनों, अगर पार्टीज कहा जाए तो इट विल मीन सेलर एंड परचेजर बोथ, और अगर पार्टी कहा जाए और सिंगली तो फिर वो डिपेंड करता है कि किस पार्टी के बारे में बात हो रही है। ये तो हो गया हजूर तारुफ। इसके बाद पहली बात क्या होनी चाहिए, व्हाट कम्स इनटू योर माइंड, व्हाट विल ही से टू यू, या आप पूछेंगे या वो बताएंगे खुद से ही। वेयर एज, जबकि जनाब मैं, अस्सलाम वालेकुम उस्मान, मैं हूं जनाब प्रॉपर्टी का मालिक, आपसे कोई हाल चाल तो नहीं ना पूछने आए, ये तो एक बड़ी बड़ी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन द पार्टीज। सो जो पहली आमदम पर सरे मतलब होगा वो ये होगा कि ही विल टेल के जनाब मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, इससे आगाज होना चाहिए बात का। देखिए इसमें हो रहा है ऐसे आगाज, पढ़िए जरा, वेयर है जनाब, जबकि ऊपर से शुरू करो, आते ऊपर, मैं वापस ले जाना चाहता हूं ना वहां पे। वेयर एज क्या लिखा हुआ है, जानबूझ के एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो यकलक ये बात जहन में आनी चाहिए यार, विच प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट। ये लव्स प्रॉपर्टी यहां पर एलियन दिखाई दे रहा है, अजनबियत पैदा कर रहा है, अनलेस इट इज डिफाइंड समवेयर प्रीवियसली आप इसको नहीं समझ सकते। पलट कर आपको जाना पड़ेगा, ऊपर जाइए, तारुफ से पहले एक गरज़ो गायत या ऑब्जेक्टिव की एक क्लॉज लिखी हुई है, एग्रीमेंट टू सेल, जो डिफाइन कर रहा है कि नीचे क्या आने वाला है, और उसको ज़रा पढ़िए तो वहाँ आपको मालूम होगा कि वहाँ जो चीज़ जिसकी बाबत बात होने वाली है, प्रॉपर्टी, द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट हैज़ बीन सफिशेंटली डिफाइंड, उसकी उसको बाकायदा वहाँ पर डिफाइन करके ये कह दिया गया है कि आइंदा लव्स द प्रॉपर्टी इन्वर्टेड कॉमास का बड़े पी के साथ जहां भी इस्तेमाल हो उसका मतलब ये प्रॉपर्टी होगी जो ऊपर डिफाइन की गई है। अब ये जहन में रखिए, अच्छा ड्राफ्ट करने वाला कोई लफ्स आगे इस्तेमाल ऐसा नहीं करेगा जिसको वो पहले से डिफाइन नहीं कर सका। जरूरी नहीं है कि मेरा ये ड्राफ्ट बहुत ही अच्छा हो, हर दफा जब मैं ड्राफ्ट करता हूं तो अपनी बेशुमार गलतियां निकालता हूं। मुमकिन है आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो जहन में ये ख्याल है कि यार ये दोस्तों को तो दे दिया है, बट यार इसमें किसमें कभी थी, या फिलहाल मैंने आपको किया कि जजमेंट नहीं आई तो मालूम हुआ कि नहीं भाई कुछ मामला जो हैं वो इस तरह से नहीं पसंद किए जा रहे हैं, या लॉ तब्दील हो गया। ये सब बातें वो हैं जिनके ज़रिए से हम चीज़ों को सीखते हैं। तो जैसे ही लव्स प्रॉपर्टी आया पलट के या वहां डिफाइन कीजिए कि वेयर एज द सेलर इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्क्राइब हियर इन और डिस्क्राइब इन द स्केड्यूल। बहुत तरीके हैं बात करने के कि आखिर में उसकी पूरी तफसील लिख रखी है, या बताइए कि ऊपर जो लिख रखी है तफसील उसको मैं इसके साथ मिला रहा हूं। ये भी ध्यान में रखिए, लिखने का कोई एक तरीका मुतय्यन नहीं है, लेकिन मैंने अर्ज किया जो जो तरीकाकार
अक्ल को दिखाई दे रहा है वही सबसे बेहतर लग रहा है कि मुझे बात करने से पहले शेकिंग हैंड्स हुए, मैंने तारुफ कराया और फिर मैंने बात आमदम बरसरे मतलब की तरफ लाया कि जनाब मैं मालिक हूँ इस प्रॉपर्टी का, वो जो प्रॉपर्टी ऊपर मैंने लिख रखी है और वो मैंने कहाँ से हासिल की है वो भी मैंने लिख दिया। अब बड़ा अहम सवाल है, एक 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 क्लेम आ गया है इनकी तरफ से, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनीबॉडी कैन कम अप एंड से दैट आई एम द ओनर ऑफ एबीसी प्रॉपर्टी। आखिर वो प्रॉपर्टी किसी डॉक्यूमेंट की वसातत से इन तक पहुंची है, ये मैं किस बुनियाद पे कह रहा हूं? Why he is not claiming that this building is owned by him? The moment he will say, the next question which you will naturally ask from him, that will be, where are, how come? किस तरह से आप मालिक हैं? अपनी मलकियत को सामने लाइए। तो इसी तरह आप देखिए यहां फोर्थ लाइन में आपको लिखा नजर आएगा, पहली चौथी लाइन में पहले पैर की having acquired why the document detailed therein, वो जो मैंने वहां पर अनेक्सचर में जो साथ लिखा है उसके अंदर मैंने इसका टाइटल डॉक्यूमेंट लगा रखा है। वेरी फ्रैंकली व्हाट इज टाइटल डॉक्यूमेंट? जिससे मैंने टाइटल एक्वायर किया, ऐसे भी कह सकते हैं। इज इट डिफाइंड एनीवेयर? कोई लॉ जेन में आता है आपके, किसी लॉ में डिफाइन किया गया हो? सर ताज़ा पढ़ के आए हैं, अभी तो बहुत देर नहीं हुई, अभी तो बहुत सफ़र आगे नहीं गया, अभी तो रास्ते घर के याद होने चाहिए, अभी बहुत दूर नहीं गया, अभी तो रटे लगाए हैं, अभी तो पेपर पास किए हैं कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि वेदर द वर्ड और द फ्रेज और जो भी इसको आप कहें टाइटल डॉक्यूमेंट, इज इट डिफाइंड एनीवेयर इन एनी बुक? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे सामने वही है, इज इट डिफाइंड इन दैट? ये जो किया दिया होगा है ना, असल में ये दुनिया की सबसे बुरी बात है, दिया हुआ है या नहीं, जो हो सकता है आसमानी सतह पर कहीं किसी इल्हामी किताब में हो, होने का क्या पता है भाई। ये क्या जवाब था? इज नॉट लॉयर लाइक इसी, यही तो आपसे वो जानना चाह रहा है जो बेचारा चलकर आया है। अगर आपका भी ये अंदाजा ही है तो देन फाइन, नसीब उसके। हाँ नहीं कोई बात नहीं, अच्छा नहीं मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कहीं भी डिफाइंड नहीं, दिस वर्ड इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है कि फिर ये नॉर्मल डिक्शनरी मीनिंग्स में लिया जा सकता है या फिर जजमेंट्स के साथ आप देख सकते हैं कि क्या कोई जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें ये वर्ड टाइटल डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन किया हो, और तो कोई रास्ता नहीं रह गया ना मेरे पास। व्हेन अ वर्ड इज नॉट डिफाइंड बाय द स्टैट्यूट इटसेल्फ देन मुझे जजमेंट्स मदद कर सकती हैं या फिर डिक्शनरी मदद कर सकती है कि इसका मानी क्या है। एक इस पर बहुत अच्छी जजमेंट है, किसी वक्त देखिएगा, ये जजमेंट्स के पूरे पूरे नाम पते हमें नहीं याद रहते, बट प्रॉब्ली PLD 1987 कराची कुछ आगे देख लीजिएगा कुछ है, ठीक है, उसमें टाइटल डॉक्यूमेंट को बड़ी डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश की गई है कि क्या टाइटल डॉक्यूमेंट हो सकता है। नेवरदलेस यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट डिफाइन कर दिया गया है, उस्मान ने अपना क्लेम आपकी खिदमत में पेश कर दिया है कि आई एम ओनर ऑफ द प्लेस वाइड दिस डॉक्यूमेंट। फैसल भाई की इजाज़त से मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ये फॉर्म ये जो सामने आपके सामने मुआहदा लिखा हुआ है इसके लिए बहुत लाजमी है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिखें। मैंने एक अग्रीमेंट टू सेल अब के ऊपर अभी हाईकोर्ट में मुकदमा हारा है कि जिसके अंदर सब कुछ यही बिल्कुल जीनियस किया हुआ था, लेकिन प्रॉपर्टी का खसरा नंबर कोई चीज़ ही नहीं लिखी हुई थी, ब्लैंक जगह थी, वहाँ पर भरा नहीं हुआ था, नीचे से भी हारे, एपलेट कोर्ट में भी हारे और हाई कोर्ट में मैं पेश हुआ। आपका अगर आप प्रॉपर्ली नहीं भरेंगे, फुली डिस्क्राइब नहीं करेंगे, दर्जनों जजमेंट्स मौजूद हैं कि प्रॉपर्टी अगर एसर्टेन नहीं हो सकती तो आप फारिग हैं। अब ये मेरा और मेरे भाई से थोड़ा सा इख्तलाफ इसके अंदर ये होगा कि मैं तो अमूमन इंसिस्ट करता हूँ कि मेन अग्रीमेंट के अंदर ही आप प्रॉपर्टी की डिटेल्स लिख दें, क्योंकि कई दफ़ा एनेक्सर या मिस हो जाता है
या एनेक्सचर वो उतार लेते हैं या एनेक्सचर वो बदल लेते हैं या एनेक्सचर पे कि जी हमने तो ये कोई और कागज था। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन इतनी फंडामेंटल है कि आप ये फैसल भाई चूंकि बहुत ज़्यादा केसेस करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, तो स्टैंडर्ड अग्रीमेंट यही चलता है कि बेशुमार चेंबर्स में आपको नज़र आता है कि वहाँ पे सिर्फ एनेक्सचर बदल दिया जाता है और इसके अंदर यहाँ पे ये जो लवाजमात हैं भर दिए जाते हैं। आई वुड एक्चुअली इवन रिकमेंड कि आप अपने मेन बॉडी के टेक्स्ट के अंदर डिफाइन करें और वहाँ पे करें एनेक्सेस में। प्रैक्टिकली मुझे हमेशा एक डेढ़ दो मुकदमे ऐसे मिले कि प्रॉपर्टी अगर आपने नहीं किया तो मुकदमे से फारिग। ये बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए ये तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इशू है ना, व्हाट वी हैव एग्रीड अपॉन, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है एंड व्हाट वी हैव एग्रीड अपॉन, हम खरीद क्या रहे हैं और बेच क्या रहे हैं, तो वो तो वॉइड एब इनिशू हो गया ना। यानी ये वो बात है जिसके डांडे जा मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुनियादी उससे ज़रूरियात से। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ही फर्दर आगे हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कार फरमाई देख रहे हैं ना। अगर वो सब्जेक्ट मैटर वाजे नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अब लेकिन पिछले तीन एक चार साल से लॉ थोड़ा तब्दील ये हुआ कि एग्रीमेंट टू सेल विच वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ डॉक्यूमेंट विच इज़ कंपल्सरली रजिस्टरेबल, Now the law is no more this and they have changed it. Up agreement to sell has become an agreement, surprisingly, which is compulsorily registrable document under section 17 of the registration or 49 ka effect jo hai registration act ka wo bhi aa gaya. Ab iska matlab ye hai ki isme jo ye gunjayish thi jo jiski taraf Ahmed bhai ne ishara kiya ki yaar wo ek aakhri page hota hai isko zara sa हटा दें तो मैटर वो हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि अंदर लिखा हो, बॉडी के अंदर हो, लेकिन अब थोड़ा सा ये प्रोटेक्शन जरूर आया है कि दिस डॉक्यूमेंट हैज बिकम कंपल्सरी रजिस्टरेबल एंड वंस इट इज रजिस्टर्ड ऑब्वियसली प्रोटेक्शन आपकी बहुत बढ़ जाती है। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ उसके साथ अटैच हो जाता है, उसकी सर्टिफाइड कॉपीज मिल सकती हैं, उसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर किया जा सकता है। नेवरदलेस अगर प्रॉपर्टी की डिटेल उसके अंदर ही आ जाए और आप कहीं अपने स्केड्यूल में डिटेल भी भरते रहें तो अबंडेंट प्रिकॉशन है, क्यों नहीं करना चाहिए। फिर उसके ऊपर भी दस्तखत और अंगूठे लगवाए एनेक्सर के। ईच एंड एवरी पेज एक्चुअली इज सपोज्ड टू बी साइंड। एंड ये जो एक तरीके का हमारे यहाँ रहा है आखिरी पेज पर जहां कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है वहां पार्टीज का नाम लिखना और करना। अभी उसकी तरफ भी आते हैं कि जब इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो उसके तकाजे क्या है, क्योंकि मैंने अर्ज किया ना कि अब नाउ ये पहले नहीं था, इस पर प्रॉपरली एक अमेंडमेंट जो है वो आई और उसके बाद उसको कहा गया कि ये कंपल्सरली रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट है। अगर नहीं होता तो उसका क्या असर है? सर देखिए अगर आजकल तो 99% अभी भी ये दावे यही चल रहे हैं कि अग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ जी नहीं, उठा के लेके आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का उसके ऊपर ही दावा चल रहा है। ये एक क्वेश्चन वो है जो आई शुड एटलीस्ट एक दफा आप तक जरूर पहुंचाऊं। If there is a document which is compulsorily registrable and it is not registered, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? यार ये वो सवाल है जो रजिस्ट्रेशन एक्ट में पढ़ पढ़ के और रटा लगा लगा के, तो इसको तो कम से कम डिनाई ना कीजिए, आंसर दीजिए। इफ अ बेसिक क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, पूरे में क्वेश्चन ही एक है, इफ अ डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरली रजिस्टरेबल। मैं ये भी कह देता हूं अंडर सेक्शन 17, चलिए आसानी के लिए, What will be the effect of that if it is not registered? होगा क्या? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। कोई अंदाजा है कि ये बात आप कहां से कर रहे हैं? बिकॉज यहां जो भी बात होनी है होनी तो कानून के अंदर ही है। अब बुक के अंदर से ही बात होनी है। वॉइड भी हो गया, ये भी मान लिया, हालांकि हुआ नहीं, लेकिन आप लॉ तो बताइए। ये जो बात आप कह रहे हैं ये कहां से कह रहे हैं? ये आपका अंदाजा है या किसी कानून को रेफर कर रहे हैं आप? देखिए मैंने ये गलती जरूर की कहने की कि लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, इट इज, बट देन स्टैट्यूटरी लॉ ने भी तो चलना है ना, उसकी कोई यही तो वकालत भी शुरू हो रही है कि आप बताएंगे कि जनाब फलां एक्ट फलां सेक्शन इसको इस तरह से लेके चलता है, बताइए सर। यार शिजात भैया बड़े मजेदार आदमी है तो सही। इट्स 49 एक्चुअली 49 कहता है कि फिर डॉक्यूमेंट्स इज कंपल्सरली रजिस्टरेबल और वो रजिस्टर नहीं होता, नो राइट टाइटल
जो है वो ना क्रिएट होगा, ना वेस्ट करेगा, ना ये होगा, ना वो होगा, तो इसका मतलब है तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो गई। अब आपके सामने खोल भी दिया उन्होंने 49 इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, 17 एंड 49 हमेशा साथ साथ पड़े जाएंगे, दोनों के दरमियान फासला है मगर कुछ ऐसा खास नहीं देखने में लगता है कि 17 एंड देन देयर्स 49। बुनियादी बात यही है कि इफ इट इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड इट इज कंपल्सरली रजिस्टर्ड रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड देन आपने पढ़ लिया सामने लिखा हुआ है इट विल नॉट, एक और अगर दे दें तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँगा, इट विल नॉट ऑपरेट टू क्रिएट डिक्लेयर असाइन लिमिट, तो फिर तो इसका मतलब है ये इसका सब लिखने का मकसद ही फौत हो गया। ये अलग सवाल है, किसी और वक्त इसको देखेंगे कि अगर डॉक्यूमेंट फिर 49 के इफेक्ट में क्या, जैसे अहमद भाई ने कहा कि सूट तो बहरहाल फाइल हो रहे हैं और सूट चल भी रहे हैं, किस बुनियाद पे चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, क्या इफेक्ट होता है, कैसे अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट स्टिल कैन बी यूज्ड इन लिटिगेशन, ये जरा एक और लंबा किस्सा है, किया जा सकता है, हर चीज का इलाज और हल भी मौजूद है, मगर फिलहाल 17 और 49। अब जनाब जब प्रॉपर्टी आपने डिफाइन करनी है तो ये सबसे मुश्किल मरहला है। मैंने जैसे अर्ज किया इसको देख के ये ख्याल आ सकता है कि इट इज जस्ट अ टेम्पलेट, एनीबॉडी कैन राइट इट, कि मैं टेम्पलेट लाया हूं उसमें उस्मान का नाम डालिए, उसमें शिदाब का नाम डालिए, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन डालिए एंड दैट्स इट, मगर ऐसा है नहीं, लगता जरूर है, इट अपेयर्स लाइक दैट कि यार ये क्या मसला है, ये तो कोई भी बना देगा, ये तो शायद प्रॉबली कॉजाई या पैरा लीगल काम है, ये तो क्लर्क भी बना देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे जनाब, थोड़ी देर पहले आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी थी और उसको आपने नैरो डाउन किया था, कौन उस्मान, जनाब मोहम्मद उस्मान, और भाई मोहम्मद उस्मान कौन, जनाब वल्द फलां, और भाई रहते कहां हो, सर रेजिडेंट ऑफ दिस, और मैं फिर भी मुतमिन नहीं हो रहा, मैं कहता हूं यार फिर भी बहुत हो सकते हैं ऐसे। देन एक आखिरी बात उन्होंने की, सर बेरिंग CNIC दिस वन, दैट्स इट, इट्स मी। अच्छा भाई आपके ड्राफ्ट में एक गलती मैंने पकड़ी है। यार बिल्कुल होगी, मेरी जिंदगी में भी बहुत ऑर्डर हो गए, आपने लफ्ज यहां पे इस्तेमाल किया वो एनेक्शर, यस एंड देयर इज नो एनेक्शर, नो नो आपने आपने आगे जाके लफ्ज स्केड्यूल किया, स्केड्यूल कर दिया, बिल्कुल एनेक्शर ही होना चाहिए था, इट वाज पोस्ट में बाद में ऐड किया गया है, ये है वगैरह, तो यहां पे फेयर इनफ, फिर तो एनेक्शर कर देते हैं वो, मेरी कोताहियों से माफी। नहीं नहीं मैं आप और ये मैं आपको अर्ज करूं, ये यही है वकालत किसमें से देखा जाए और कि कैसे। अच्छा खैर वापस, अब जब प्रॉपर्टी को आप डिस्क्राइब करने लगे हैं, तीन ही तो चीजें हैं, खरीद कौन रहा है, बेच कौन रहा है और क्या खरीदा बेचा जा रहा है, भाई सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइन करेंगे, दीजिए आप डिफाइन कीजिए, कोई प्रॉपर्टी बयान कीजिए। अच्छा जी, कोई है आपके जेहन में ऐसी मिसाल, कोई अगर नैरो डाउन करें, लाहौर के अंदर रहे अगर हम तो नैरो डाउन करें, किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, विच प्रॉपर्टी यू आर टॉकिंग अबाउट, इज इट इन लाहौर, इज अ वेरी बिग प्लेस, कहाँ है? हाँ फाइन, बहुत अच्छी बात की आपने, मैं बड़ा मुतासर हुआ, द प्लेस वी आर, यहाँ पे हम हैं, फेयर इनफ, क्या लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, शी इज राइट, देखिए उसका एक नाम है, इट्स अ नाइन, इट्स नाइन फेन रोड, आगे ये नाइन फेन रोड कहां से आ रहा है भाई? मैंने अर्ज किया यहां जो बात कहेंगे ना, मेरा क्वेश्चन होगा इसका सोर्स क्या है, फ्रॉम वेयर यू हैव डिड्यूस्ड इट, या आया कहां से है भाई, व्हाई नॉट 10, व्हाई नॉट 11, आपने बड़ा डिटर्मिंड होकर कहा नाइन फेन रोड, फाइन, कहां से? रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या होता है? वो किस लॉ के तहत काम करता है? जल्दी करता रहा, लैंड रेवेन्यू एक्ट, पूरा नाम क्या है? पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, इट अप्लाइज वेयर?
हाँ, क्या वो शहरों में लगता है, उसका पहला पहला चैप्टर पहला लाइन पढ़ना शुरू करें, डज इट अप्लाई ऑन टाउन्स और ये नो, तो देन इसका मतलब है इट्स नॉट द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू इज आउट। आगे चले यार, ये होगा तो मुझे आपने मुझे चेड़ा इससे बहुत ज्यादा एक इससे भी, और नॉर्मली जो हम कहते हैं, मैं भी कहता हूँ जी मेरी ओपिनियन में, यार मेरी कोई ओपिनियन नहीं होती यार, इफ देयर इज अ जजमेंट बिहाइंड इट, देयर इज अ स्टैट्यूट बिहाइंड इट, देयर तो बात करें नहीं है, तो मेरी ओपिनियन कौन सी ओपिनियन है? मैंने छोटे सिटीज की बात ही नहीं की, नाउ हाउ वी हैव रिड्यूस्ड इट, लाहौर की बात हो रही है, नाइन फैन की बात हो रही है। शिजात कॉन्सेंट्रेट प्लीज, कॉन्सेंट्रेट, ये बहुत हमने लिमिटेड कर दिया। वी आर सिटिंग इन दिस बिल्डिंग एंड वी आर आस्किंग हाउ दिस नाइन फेन रोड, जब अभी बात हुई है वहां पर उन्होंने कहा कि सर महकमा माल से मालूम होता है। ओके फाइन, मैंने कहा महकमा माल शहरों पे लाहौर में अर्बन में नहीं लगता, मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया अर्बन, इसका मतलब है अर्बन में कुछ और लगता होगा, वो क्या है? आई वुड लाइक टू लिसन इट, कम ऑन। अगर अर्बन, अगर रूरल लॉ मुझ पर अप्लाई नहीं हो रहा तो भैया फिर कौन सा हो रहा है? लाहौर में बैठे हुए हो, चार चार साल हो गए भाई वकालत करते हुए, मैं नॉट ट्राइंग टू, बट आई एम ट्राइंग टू जोल्ट यू, डोंट डू दिस। आई कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ द पीपल, दे ज्वाइन प्रोफेशंस विदाउट एनी पैशन, आई नो दैट, आई एम वन ऑफ देम। सारे ही ऐसे आते हैं, बस कुछ समय नहीं आती तो कहीं जब दाखिला मिल जाता, लेकिन जब आ ही गए हैं और पहन ही लिया है कोट, तो अब लेट्स, इफ नॉट प्रोफेशनल एटलीस्ट प्रैक्टिशनर तो अच्छे बनो भैया, दोनों में फर्क चलो समझ लेना घर जाके। इफ यू कॉन्ट बी ए वेरी क्रिएटिव प्रोफेशनल, एटलीस्ट यू कैन बी ए गुड प्रैक्टिशनर, और कम से कम मामलात को यार ईंट पर ईंट तो रखते चले जाओ ना, ना सही ताजमहल हर आदमी नहीं बना सकता, पर दीवार बनानी तो सीखे सीधी, जियोग्राफी से नहीं पता, जियोग्राफिक से भी इससे नहीं पता चलता। सी देन देयर डिफरेंट लॉस। देखिए वो जो आपने महकमा माल का लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़ा अच्छा लफ्ज है, रूरल प्रॉपर्टीज में महकमा माल बेसिकली फिस्कल लॉ है जिसने पूरी लैंड की पार्सलिंग की हुई है, लैंड पार्सलिंग की हुई है। व्हाट इज लैंड पार्सलिंग? Land is divided into smaller units, many units. उन units को क्या कहते हैं urban में? Measurement के units हैं, निशानी के units हैं, क्या कहते हैं उनको? मुरब्बा, खेवट, खतूनी, खा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुरब्बा वगैरह में उसकी मेजरमेंट आ गई और नाम तम चले आए कि जनाब ये खसरा नंबर है, ये फला है, उससे आपको आसानी हुई मालूम करने में कि विच प्रॉपर्टी यू आर टॉकिंग अबाउट। जो भी बात हो रही थी, जो अहमद साहब ने की, बहुत अहम बात थी, विच प्रॉपर्टी वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर प्रॉपर्टी की हैसियत मशकूक हो गई और वो डिफाइन ही नहीं हो सकती, इसका मतलब है वी नेवर एग्रीड अपॉन एनीथिंग। इसका मतलब है हमारा सही मानों में इत्तफाक हुआ ही कभी नहीं था। मेरी ऑफर में भी कमी थी और आपकी एक्सेप्ट, मैं कुछ और कह रहा था, आप कुछ और समझ रहे थे। तो जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं, जिससे ये लफ्ज शुरू हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है, एग्रीमेंट टू सेल, इट मींस देयर वाज नेवर एन एग्रीमेंट, बिकॉज वी वर नेवर एट वन पेज, ऑन वन पेज हम थे ही नहीं कभी। मैं कुछ कहता था, आप कुछ और समझते थे। तो सर अर्बन में जब आएंगे तो एक लॉ है, जरा उसको देखिएगा किसी वक्त, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट, क्या ये कोर्स में शामिल है? पढ़ाते हैं उधर एलएलबी में? नहीं, ये भी महकमा माल का डॉक्यूमेंट है इन अ वे, ये भी फिस्कल डॉक्यूमेंट, फिस्कल लॉ है, मगर ये और तरह से बनाया जाता है, इसके जरिए टैक्स वसूल किया जाता है। उन जो लॉस की आप रेफरेंस दे रहे थे महकमे माल का, वहां भी टैक्स ही वसूल किया जाता है। वहां के टैक्सेस में से किसी को कोई अंदाजा है नाम उनके जो रूरल में लिए जाते हैं? रूरल में जो टैक्सेस, जी हाँ बेटे, वो जरिए टैक्स का नाम भी देखे ना, आबियाना, मालिया, बट दैट्स राइट, ये इस तरह के वो हैं जो हासिल किए जाते हैं वहां से। यहां जब आप आते हैं अर्बन एरिया में, तो यहां जो इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट है, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट, वो एक खास तरह से प्रॉपर्टी को, एक तो उसकी लैंड को
पार्सल उसके भी बनाता है, उसकी भी लैंड पार्सलिंग होती है, द वे उसकी होती है इसकी भी होती है। इसकी लैंड पार्सलिंग आपके निगाह से गुजरी कभी? एनीवन हु हैज डिपॉजिटेड कभी भी अपने घर पे रहता हो और उसका टैक्स डॉक्यूमेंट देखा हो? जी हुजूर। मुझे ये अंदाजा होता ना अगर, हाँ मैं तो बल्कि मुझे ये अंदाजा होता कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और ये टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लेकर आता और आपके सामने रखता कि ये प्रॉपर्टी टैक्स का PT1 है, इसको जरा गौर से देखिए। उस PT1 में एक प्रॉपर लैंड पार्सलिंग होके नंबर लगा होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहां पर खसरे खतूनी करके नंबर लगाया जाता है, एंड यू कैन प्रॉपरली डिफाइन इट कि कहां से मैं क्या खरीद रहा हूं। यहां पर भी एक प्रॉपर नंबर लगाया जाता है जो इंग्लिश में होता है, उर्दू में नहीं होता। SXY सब रोमन में लफ्ज लिखे होते हैं, आगे उनके नंबर्स लिखे होते हैं। और ये सिस्टम जो अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी का है, ये कैपेबल है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट में काम कर सके और बिल्डिंग्स को कवर कर सके। जो रूरल का लॉ है वो बिल्डिंग्स को कवर नहीं करता, वो जरई जमीनों के लिए है बेसिकली, वो उसको कवर नहीं करता, कर भी नहीं सकता, उस लॉ में इतनी गुंजाइश नहीं है। तो जैसे ही एक सिलसिला अर्बन की तरफ बनता है, टाउन पूरा बन जाता है, उस पर अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट लगेगा और उनका अपना लैंड पार्सलिंग होगी। तो सबसे पहले तो भाई आप उस्मान साहब से ये पूछेंगे कि जनाब कैन आई सी योर टाइटल डॉक्यूमेंट। आप कहते हैं दिस बिल्डिंग 9 Fane Road आई एम द ओनर, तो आप वो डॉक्यूमेंट दिखाएं विच कनेक्ट्स यू विद दिस प्रॉपर्टी। तो इनके पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्यों? ये लाहौर शहर में है विच इज अ नोटिफाइड एरिया, यहां अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त कानूनन मुमकिन नहीं है। 54 को जरा दोबारा पढ़ लीजिए, यूर इन अ नोटिफाइड एरिया, अभी आपके सामने खुला हुआ था, एंड एनी प्रॉपर्टी मुगल प्रॉपर्टी मोर देन 100 rupees वर्थ वो कंपल्सरली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से जानी है। 54 को पढ़िए विद सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड देन 49 उसका इफेक्ट में। तो जनाब अब इनका डॉक्यूमेंट देखिए, सबसे पहले इनका टाइटल डॉक्यूमेंट देखिए। यहां जहां हम बैठे हुए हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है इनका? जल्दी जल्दी यार भाई, क्विक, इतना टाइम नहीं है। वो अच्छा ठीक है फाइन, उर्दू में क्या कहते हैं? बैनामा, बिल्कुल सही है। और इस बैनामा को ऊपर लिखा भी गया है कि मैंने वाइड डैट डॉक्यूमेंट इसको खरीदा है। ये डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि जब इन्होंने खरीदा, ये प्रॉपर्टी डिफाइंड होके 9 Fane Road ही को खरीदा गया है, बेचने वाला कौन था? अब हमने उस्मान साहब से खरीदना है, अगर मैं हूंगा तो कम से कम एटलीस्ट एक हाथ और पीछे जाऊंगा और इनसे जरूर मालूम करूंगा कि सर चेन डॉक्यूमेंट्स हैं, डू यू हैव चेन डॉक्यूमेंट्स? उस्मान ने खरीदा था उमर से, मैं जरूर पूछूंगा यार उमर के डॉक्यूमेंट्स भी तो आपके पास ही होंगे, जब आपने उमर ने आपको डॉक्यूमेंट चीज प्रॉपर्टी बेच दी तो अपना टाइटल डॉक्यूमेंट भी आपको दे दिया होगा। तो वो आई वुड लाइक टू सी दैट, एटलीस्ट इसके पीछे एक हाथ तो मैं जरूर देखूंगा ताकि चेन बिल्डअप हो जाए। उमर ने बेचा है उस्मान को और उस्मान बेच रहे हैं शहजाद को, सो आई वुड लव टू सी द एटलीस्ट वन प्रीवियस डॉक्यूमेंट। इससे पीछे भी जाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो डॉक्यूमेंट पढ़कर देखा जाए कि वो क्या कह रहा है। इनके पास एक सेल डीड होगी, यहां हमने देखना है कि ये टैक्स के डॉक्यूमेंट्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। 9 Fane से ही चलते हैं,
PT1 itself is not a title document. No, not at all. ना PT1 title document है, ना इंतकाल title document है. कभी भी नहीं. PT1 पर जब पिछले कुछ अरसे में जजमेंट्स आई, पहले भी जजमेंट्स आई थी, लोगों ने कान ना धरे उसके ऊपर. तंग आके PT1 वालों ने उसके ऊपर एक स्टैंप लगाना शुरू कर दी, दिस इज नॉट अ टाइटल डॉक्यूमेंट एंड कैन नॉट बी यूज फॉर सेल प्रोसीडिंग्स. ऑब्वियसली इलीगल है, इट्स नॉट अ टाइटल. ये तो सिर्फ इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आप इस पर काबिज हैं और आपने इसको टैक्स पे किया है. कब्जा और चीज है, ओनरशिप. टाइटल डॉक्यूमेंट एक चाहिए हमें. तो सबसे पहली बात जो होनी है उस्मान से, कि जस्ट शो मी योर टाइटल डॉक्यूमेंट. आपने इतना बड़ा क्लेम एक सिंगल लाइन में कर दिया है कि आई एम दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, देन लेट मी लुक इनटू दैट कि आप हैं कि नहीं हैं. उसको मैंने कैसे चेक करना है, कैसे नहीं करना. अब यहां देखिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर. एक तो बिला शिरकत गैरे है, कोई और मेरे साथ नहीं है, और एब्सोल्यूट भी हूं, मुझे किसी की इजाजत की, मुझे किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से NOC की किसी चीज की जरूरत नहीं है, और मैं इस पोजीशन में हूं कि आई कैन डिस्पोज इट ऑफ द वे आई लाइक. आई एम द सोल एंड एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. ये चीज देखिए, लिखने की क्या जरूरत होती है? कोई इसका असर होता है मुकदमेबाजी के अंदर? अगर आपने रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इसको ट्रीट होता है, क्या ये चीजें क्यों लिखी जा रही? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. देखिए प्रॉपर्टी बेच देने के बाद यही एग्रीमेंट टू सेल बाद में सेल डीड बन जाएगा. उस्मान का इस प्रॉपर्टी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ना उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, ना इसमें दाखिल हो सकते हैं, ना इसको देख सकते हैं. कोई यूज ऑफ फ्रैक्चुअल राइट, कोई पोजेशन, कोई चीज इनकी नहीं रह जाएगी. कोई जिम्मेदारी इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं होगी. फ्रॉम दैट कट ऑफ डेट इसकी लाइबिलिटीज भी उसी आदमी की होंगी, शहजाद की, जो उसको खरीद रहा है. मगर अब यहां एक बड़ा मगर है, टाइटल की जिम्मेदारी हमेशा इनकी रहेगी. यानी अगर 10 साल बाद भी ये प्रूव होता है कि ये डॉक्यूमेंट जो था, ये ट्रांजैक्शन फ्रॉडलेंटली की इन्होंने, एक और मालिक भी था छुपा लिया, ये एब्सोल्यूट ओनर नहीं थे, इनको जरूरत थी किसी से पूछने की, यानी टाइटल की क्लैरिटी, टाइटल की जमानत, टाइम की भी पाबंद नहीं है. ही इज लायबल फॉर दैट. इसके अलावा प्रॉपर्टी पर इनका कोई ना हक है ना जिम्मेदारी. तो यहां देखिए क्लैरिटी के साथ हम इनसे उगलवा रहे हैं, बात कर रहे हैं. ये स्टेटमेंट विल ऑब्वियसली बी यूज्ड अगेंस्ट हिम. ऑब्वियसली अगर ये बात गलत साबित होती है तो ये आपको सूट फॉर डैमेजेस में, सूट जितने भी और आपके हकूक पैदा होने हैं, राइट्स क्रिएट होने हैं, वो इन डॉक्यूमेंट से ही पैदा होने हैं. इसलिए एक एक लफ्ज फूंक फूंक कर लिखिए और पढ़िए. मैं फिर इसको टेम्पलेट ना समझिए हजूर. आइंदा जितनी लिटिगेशन होनी है और राइट्स एंड लाइबिलिटीज की डिटर्मिनेशन होनी है, इस डॉक्यूमेंट पर होनी है. तो इनकी तरफ से ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आना चाहिए कि नो, बिला शिरकत गैरे मैं मालिक हूं, ताकि मैं कल को अगर इन पर लाइबिलिटी इंपोज करना चाहूं तो कर सकूं, फ्रॉड की बात करना चाहूं और मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहूं तो कर सकूं. गुजारिश है कि ये वही गुफ्तगू और इल्मुल कलाम का तरीकाकार है जिस पर हम बात कर रहे थे. शेकिंग हैंड्स हुई और अब हम गरज़ो गायत पर आ गए कि जनाब ये तो वो पैरामीटर्स हैं जिनकी बात हो. वेयर एज मैं मालिक हूं, जबकि मैं इसका मालिक हूं, जबकि फर्दर अफर्म्स एंड कंफर्म, मैं कंफर्म करता हूं कि सिर्फ मालिक ही नहीं हूं, पोजेशन भी है मेरे पास और मैं फुल राइट ऑफ सेल भी रखता हूं. देखिए मैं अर्ज करूं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, ये वो प्री रिक्विजिट है जो इनके पास होने चाहिए बेचने से पहले. जो मेरे भाई पूछ रहे हैं कि इनको हम शरायत में क्यों नहीं लिख रहे नीचे, ये एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है.
एग्रीमेंट इनकी बुनियाद पर हो रहा है। पहले ये अपनी मलकियत और अपना राइट ऑफ सेल और पावर जो सेल की अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे तो नीचे शरायत लिखी जाएंगी। एक आदमी यहीं पर अगर फेल हो जाए तो ये एग्रीमेंट आगे ना लिखा जाएगा ना जाएगा। ये इसलिए मुआहदा अभी सच्ची बात है कि शुरू नहीं हुआ, अभी तो तारुफ ही हो रहा है और इनकी पोजीशन स्ट्रेंथ। अब देखिए चूंकि राइट्स इनकी तरफ से आने हैं, सारी गुफ्तगु सेलर के बारे में हो रही है, ये शहजाद तो रिसीविंग एंड पे बैठे हैं ना, इनके बारे में बात हो रही है। दूसरा पैरा भी यही आ रहा है कि ये अफर्म और कंफर्म करते हैं कि मेरे पास फुल राइट है सेल के, किसी से मुझे पूछना नहीं है, किसी कोई ऐसी कदगन मौजूद नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है टाइटल में मेरे। आप पढ़ते जाइए, बहुत आसान है, बहुत आसान लफ्जों में लिखा हुआ है। डिफेक्ट की बात आ गई, तीसरा आ गया इनकी तरफ से एक कि जनाब द सेलर फॉर द अफर्म्स एंड कंफर्म दैट द सेड प्रॉपर्टी इज फ्री फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ लिटिगेशन क्लेम्स एनकंबरेंसेस एग्रीमेंट टू, मैंने इससे पहले कोई मुआहदा कर नहीं रखा, मैंने इस पर कोई लिटिगेशन नहीं चल रही, किसी किस्म का एनकंबरेंस नहीं है, टैक्सेस भी पेड हैं, किसी किस्म की कोई फिजिक उसकी लायबिलिटी नहीं है, ये सब चीज़ें क्लियर हैं और मैं आपको प्रॉपर्टी इन तमाम नकायस से पाक आपको ऑफर कर रहा हूं। ये नहीं लिखेंगे तो बायर भी वेयर का प्रिंसिपल लगता है फिर आपके खाते में, नहीं तो पड़ जाएंगी ये सारी की सारी। यस, इन अ वे जो कैबिनेट एम्प्टर का असूल है कि खरीदने वाला वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अच्छा ड्राफ्ट करने वाला इनके मुंह से हर वो बात लिखवाएगा जो कल को इनके खिलाफ इस्तेमाल की जा सके, अगर इनकी बात दुरुस्त नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन में आती है। और इनको अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो लिख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही शुड बी एग्जीक्यूटिंग दिस डॉक्यूमेंट विद फ्री माइंड, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, असल में सेल डीड इसके बाद बहुत आसान मामला है। सेल डीड इज जस्ट इसी का एक अगला डॉक्यूमेंट है ना। अच्छा मैं आप अर्ज करूं, अब ये बातें अगर आप इनके, वैसे तो ये हम कह सकते हैं कि यार ये तो गिवन है, ये बातें तो ऑब्वियसली अगर कोई बेच रहा है तो ये बातें तो उसमें होंगी, जाहिर है ये मुझे लिटिगेशन के साथ तो नहीं बेचेगा, ये तो इनकम्बरेंस के साथ तो नहीं होगा, ये बातें गिवन नहीं है। और अगर हैं भी तो ये दो हरफी तहरीर की बजाय अगर एक प्रोफेशनल बना रहा है, ही इज सपोज्ड टू लॉक इट फ्रॉम ऑल साइड्स। इनको मैं कोई मौका कल को नहीं देना चाहता जहां से ये राह फरार इख्तियार कर जाए कि जनाब आपने ना पूछा ना मैंने बताया, आई रिमेन साइलेंस, यू नेवर आस्क्ड। नहीं जनाब, आप बात करें और बिल्कुल डट के बात करें, देखिए उसमें सारा फ्री फ्रॉम लिटिगेशन क्लेम्स एनकंबरेंसेस एग्रीमेंट टू सेल, किसी किस्म का बार जिसको उर्दू हम कहते हैं बिला बार है, उसके बाद देखिए। एंड वेयर एज, अब बात आई सेलर की, जनाब इनको बिल्कुल एब्सोल्यूट हालत में पेश किया गया कि इनके टाइटल पे किसी किस्म का क्लॉग, कोई दाग, कुछ नहीं है। उसके बाद आया, अब आखिरी वेयर एज आ रहा है कि जनाब ये शहजाद आए हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी को देखा है एंड हैज शोन इंटरेस्ट इन द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, इन्होंने ये सारी बात कंसिडर की है कि हाँ भाई ये मालिक हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी देखी है, इनको ये प्रॉपर्टी पसंद आ रही है, इन्होंने इसको पसंद किया है और ये खरीदना चाहते हैं, अपनी इंटरेस्ट जाहिर किया है और एक प्राइस कोट की है, इस प्राइस पर ये इस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। यहां से एक्चुअली एग्रीमेंट स्टार्ट हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस। अब तीन बातें तय हो चुकी हैं इस वक्त तक, परचेजर कौन है, सेलर कौन है और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डॉक्यूमेंट क्या है, प्रॉपर्टी कौन सी वाली है और वो बिल्कुल क्लीन है।
अब एग्रीमेंट, नाउ देयरफॉर द पार्टीज हियर म्यूचुअली एग्री एज फॉर, अब एग्रीमेंट बुनियादी तौर पर शुरू हो रहा है कि जनाब ये जो नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं इनके मुताबिक। सच भाई तमहीद के अंदर ये यहाँ पे प्राइस और ना भी दी जाती तो गुना सकता दोनों आप, बिकॉज़ दिस इज अनयूजुअल फॉर मी, आपने तमहीद में लिखा हुआ नीचे भी दोहराया जी दोहराया हुआ है यहाँ पे ऊपर। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए लिखा गया है कि इस केस में सब्जेक्ट टू फाइनल कैलकुलेशन वाली बात थी जो वैसे नीचे भी रिपीट हुई हुई है जी, इसके रिपीट होने की कोई जरूरत नहीं थी। अमूमन नीचे ही टर्म्स एंड कंडीशंस देखी जाती है, ऊपर सिर्फ इतना लिखा जाता है कि परचेजर जो है उसने अपनी इंटरेस्ट शो की है एंड नाउ द एग्रीमेंट, अब इस पर बात हो रही है, अब प्योरली टर्म्स एंड कंडीशंस। देखिए ऊपर फिर आपकी कुछ उस्तादियां तेजियां वो थी, नीचे काम ज्यादा नस्बतन आसान होता चला जाएगा बिकॉज जो उसकी उसकी जो फिजिकल साइड है और जो उसकी वो दीगर मामलात है वो पार्टीज ने तय करने हैं। मुझे एज लॉयर इतना मुश्किल नहीं लग रहा, वो मैंने ऊपर एस्टैब्लिश कर लिया है कि प्रॉपर्टी है कौन, बेच कौन रहा है, खरीद कौन रहा है। अब आगे देखिए एक बुनियादी एग्रीमेंट का असूल है, क्या चीज एग्रीमेंट में ना हो कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वॉइड हो जाता है, कंसीडरेशन। थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी ना, सब्जेक्ट मैटर क्लियर ना हो तो भी यही किस्सा, मालूम ही नहीं क्या खरीदा जा रहा है। दूसरी आपने बड़ी अहम बात की, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, क्योंकि जेन में रखिए हिबा नहीं हो रहा, ये एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, इसमें अगर पैसा नहीं लिखा जा रहा। अब चौथी चीज यही तो एक रह गई मेन, तीन हो चुकी थी अब तक, कौन किसके साथ और क्या चीज बिक रही, अब चौथी चीज व्हाट इज द कंसिडरेशन, सबसे अहम चीज। अब चौथी पहली टर्म आप देखेंगे हमेशा ये लिखी होगी कि इतने में ये प्रॉपर्टी बिक रही है। जी सर, इस पर आपके जहन में मेरा ख्याल है वो जजमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रेट वे प्राइस का लेस होना लाजमन फ्रॉड की निशानी नहीं है। बिल्कुल ऐसे देखे ना, इट्स माई प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को उस्मान ही वॉन्ट्स टू सेल इट फॉर अ वेरी चीप प्राइस, जहन भी उनका ठीक है, बाकायम होश आवास भी हैं, शाम का वक्त भी नहीं है, कैफियत भी ठीक है, वो कहते हैं यार मैं इसकी कंसिडरेशन, दिस इज माई प्रॉपर्टी, मैं इसको 1,00,000 में बेचना चाहता हूं एंड देर इज नो फ्रॉड इन्वॉल्व, ना मैं इंड्यूस्ड हूं ना कोई बात है, he has every right to sell it for any price he likes. Taxation के context में हो सकता है कि इनको डस पड़े और इनको ज्यादा देना पड़े, मगर वो हमारा topic नहीं है इस वक्त। हाँ वो उनकी प्रॉपर्टी है भैया, 1,00,000 में बेच दे, होगी भले 10 crore की होगी, कंसिडरेशन का होना जरूरी है। आपने बड़ा अहम सवाल किया है कि क्या कंसिडरेशन का माकूल होना भी जरूरी है, इस पर बड़ी मजेदार जजमेंट्स हैं जो फॉर एंड अगेंस्ट हैं। माकूल ना होने की सूरत में ऑब्वियसली जो पहला ख्याल आपके जहन में आएगा वह आएगा कि व्हाई विल ही डू दैट, व्हाई समबॉडी विल सेल द प्रॉपर्टी वर्थ 10 crore फॉर 100,000 ओनली, तो पहला जहन में ख्याल आएगा कि यार इधर आपको गड़बड़ है कोई, ये फ्रॉड की निशानी है, मगर ये फ्रॉड का कोई कंक्लूसिव प्रूव नहीं है, ये फ्रॉड का कोई बिल्कुल सुनते ही आप कहेंगे ये फ्रॉड हुआ सर, ये वो नहीं है सर, अनलेस यू आस्क हिम इट्स हिज प्रॉपर्टी, अनलेस ही क्लेम्स के जनाब मैं उस वक्त मेरी हालत ही नहीं थी, भाई ये डॉक्यूमेंट सामने रखा मैंने लिख दिया, आप खुद बताइए मैं क्यों एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन करूंगा इतने लोअर साइट पे, बट देन ही विल हैव टू कम अप विद दोस के जनाब जब ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो व्हाट वाज द सिचुएशन, व्हाट वर द सर्टेन सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस एट दैट टाइम, फिर बुनियादी तौर पे चले जाइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, कौन सा ऑफर और कौन सी एक्सेप्टेंस वाकई ऑफर होती है और कौन सी एक्सेप्टेंस वाकई एक्सेप्टेंस होती है, वैलिड एक्सेप्टेंस की क्या खूबियां हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं था, कोअर्शन तो नहीं थी, कोअर्सिव मेजर्स तो वगैरह वगैरह, यू नो दैट। तो यहां असूली बात क्या, इसलिए तो मैं कह रहा था कि ये मेरा मसला बतौर लॉयर नहीं है कि ये कितने की बिक रही है,
क्लाइंट पूछता है कि बताएं कितना लिखें बीच में इसके अंदर स्टैंप। हाँ, वो पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान की एक खूबी है, आप ये भी देखना चाहिए। Practically, he will obviously ask you and he will consider that you will become an instrument in evading tax. तो वो आपसे पूछेगा कि सर कितना लिख दिया जाए, तो आप बड़े काबल और अच्छे वकील के तौर पे, प्रैक्टिकल वकील के तौर पे उसको बताएंगे कि सर इसका ना एक मिनिमम रेट, कंट्रोलर्स रेट, डीसी रेट, सी कलेक्टर्स रेट मौजूद है, इससे कम पर तो सेल डीड होगी नहीं। यानी आप लिखें 1,00,000 की बेची है और आप कहें मैंने 1,00,000 वसूल किया है, लेकिन अगर उसका मिनिमम फर्ज कीजिए 1,000,000 है, लेट इज 10,00,000, तो टैक्स 10,00,000 पे ही होना है सर। आप भले 1,00,000 लिखिए, वसूल भी 1,00,000 कीजिए, आपकी प्रॉपर्टी है, मगर टैक्स 10,00,000 से नीचे का नहीं होगा। तो वो बड़े काबिल वकील के तौर पर आप अपनी खिदमात पेश करेंगे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। दिस इज अ वेरिएंट। देखिए असूल क्या है, विच एवर इज हायर। अगर दो वैल्यूज आ गई हैं, एक डीसी वैल्यू है और एक आपकी एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि आप बड़ा सीधा सा मामला है, विच एवर इज हायर, अगर आप दोनों लिखेंगे ना तो फौरी तौर पर आपको वो कहेंगे कि जनाब हायर पे करें। लेकिन आप क्या करते हैं, आप इकरारनामा या जिसको आप एग्रीमेंट ऑफ सेल कह रहे हैं इसको अलग रखते हैं, और इसी से बचने के लिए मैंने आपके आने से, आप थोड़ा लेट आए, बताया कि दिस हैज बिकम अ कंपल्सरली रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट। इसी चीज को तो काटा उन्होंने, उन्होंने कहा कि इसको भी रजिस्टर कराइए और सेल डीड को भी रजिस्टर कराइए, तो जो डिफरेंस होगा खुद ही पकड़ा जाएगा। अगर वहां आपने कम लिखा हुआ है और आप सेल डीड के वक्त उसमें ज्यादा दिखा रहे हैं तो बस बातबाजी हो जाएगी। इस चीज को चेक करने के लिए ही तो एग्रीमेंट टू सेल को कंपलसरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट किया, लोग फिर भी नहीं करा रहे। देखिए पाकिस्तान में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इस तरह की बात बड़ी अमूमी है कि जब मैं बड़े वसूख से आपको कहता हूं कि रेड पर क्रॉस नहीं हो सकता, तो आप कहते हैं सर जरा खिड़की तो खोलिए, नीचे देखिए रेड सिग्नल पर जरा हो क्या रहा है। तो मैं इसका जवाब आपको नहीं दे सकता, इसकी वजह कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल अगर आप हमसे पूछें तो लॉयर को यह काम नहीं करना चाहिए। जो जिस ट्रांजेक्शन, देखिए डॉक्यूमेंट शुड स्पीक वॉट एवर इज एक्चुअली हैपनिंग। अच्छा डॉक्यूमेंट तो वही होता है जो तहरीर में भी वही हो जो वाक्यतन है, और जब ये डॉक्यूमेंट अपने वाक्य से दूर जाएगा तो इस बुनियादी तौर पर लिखने पढ़ने का मकसद बड़ी हद तक फौत हो जाएगा और गवर्नमेंट को नुकसान भी होगा। और उसमें अवेयन में आप बाकायदा यू विल बी अ पार्टी टू दैट, यू विल बी एक्चुअली टेलिंग अदर्स हाउ टू डू दैट। अनफॉर्चुनेटली लॉयर्स करते हैं, सभी करते हैं, और ये होता है, रोजाना होता है। वहां पर तमाम सेल डीड्स में से 80% प्लस जो है वो कलेक्टर्स रेट पर हो रही होती हैं और लोग उसको दुरुस्त समझते हैं। ये भी बहुत एक मिथ है कि सर हमने डीसी रेट पे किया, गलत तो नहीं किया। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर दो प्राइसेस हैं, डीसी रेट तो मिनिमम को वो बता रहा है ना, अगर आपने एक्चुअल 1 करोड़ पे खरीदी तो आप 1 करोड़ पर ही टैक्स देंगे भैया, 1,000,000 पे नहीं देंगे। सॉरी, वो तो मिनिमम है। आप चाहे 1,00,000 लीजिए, 1,00,000 लिखेंगे तो देन विच एवर इज हायर कौन सा होगा, 1,000,000 उस पर टैक्स देंगे। आपने 1 करोड़ की बेची है तो 1 करोड़ इज हायर, उस पर टैक्स दीजिए। ये कोई मुश्किल किस्सा नहीं है। अब आप देखिए नीचे, मैं बहुत तेजी से गुजरता हूं, अब नीचे कुछ नहीं है। बुनियादी तौर पर ये वो बातें हैं जो पार्टीज ने आपस में एज बिजनेस डील, एज कमर्शियल डील डिसाइड की हुई हैं। आपने सिर्फ उनको अच्छे तरीके से तहरीर करना है। डिवीजन आ गई, एग्रीमेंट टू सेल है, कंप्लीट पेमेंट तो नहीं हो रही होगी, वो एक पार्ट ऑफ द पेमेंट जो है वो करेगा और अपना एक राइट क्रिएट करेगा कि जनाब नाउ आई हैव अ राइट, फर्स्ट राइट ऑन दिस प्रॉपर्टी, ये अब किसी और को नहीं बिकेगी, मेरा फर्स्ट राइट है, मैंने इसके ऊपर अपना लियन क्रिएट कर दिया है। इसके अलावा कोई राइट क्रिएट नहीं हो रहा प्रॉपर्टी पर, जस्ट इतना कि जनाब इस पर पहले मैं 100,000 जो है वो दे रहा हूं और 1,000,000 की ये प्रॉपर्टी है, बाकी 9,000,000। अब इंपॉर्टेंट पार्ट इसका आ रहा है जो नीचे वाला पोर्शन, कंसिडरेशन फिक्स हो गई। अब सबसे अहम चीज क्या है, टाइम कट ऑफ डेट, कब तक ये पूरा कर दूंगा, कब तक पेमेंट कर दूंगा।
और आपसे एक सेल डीड एग्जीक्यूट करवा लूंगा। इसको अब इस ख्याल से पढ़िए, यहां ना पढ़ सकिए तो घर जाके पढ़िए हजूर। 3 चीजें आ गई, टोटल कंसिडरेशन, एग्रीमेंट टू सेल में खड़े हैं आप इस वक्त, टोटल कंसिडरेशन, पार्ट कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड नाउ, दूसरी चीज, तीसरी, रिमेनिंग विल बी पेड विद इन या ऑन और बिफोर फला तारीख। ये 3 चीजें अहम तरीन है। जिस डॉक्यूमेंट में ये 3 चीजें नहीं है उसका भी वही हाल होगा जो पहले हमने कह दिया कि सब्जेक्ट मैटर और चीजें क्लियर नहीं है। एग्जीक्यूशन डेट का, बिकॉज दिस इज समथिंग आई रिसर्च इस केस का, मैंने आपको बताया, उससे अग्रीमेंट वॉइड या अनसर्टेन हो जाता है अगर एग्जीक्यूशन डेट नहीं लिखी हुई तो, इज इट नॉट व्हेन टू बी कंसीडर्ड एज ऑन डिमांड? हाँ बिल्कुल, अगर आपने कट ऑफ डेट नहीं लिखी और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यदि इसमें पेरिशेबल भी नहीं है कुछ, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ये मामला फॉर ऑल द टाइम्स टू कम चलता रहेगा, जब डिमांड करेंगे, जब डिमांड करेंगे वो करना पड़ेगा। तो ऐसा लूज डॉक्यूमेंट, अनलेस अनलेस पार्टीज ये चाहे, आप क्यों लिखेंगे? एज प्रोफेशनल मैं जरूर पूछूंगा कि सर इसमें कट ऑफ डेट आनी चाहिए। और दूसरा, अगर पाकिस्तान के सर्कमस्टांसिस पे माना कि उनकी कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, 3 चीजों पे आप खेल सकते, आपका क्लाइंट को प्रोटेक्ट, एक तो पोजेशन का हैंड ओवर कर रहा है, दूसरा डू यू रिकमेंड, अगर आपका आप सेलर की तरफ से हैं कि जो टॉप हैवी होना चाहिए अप फ्रंट ले लें, क्योंकि आपने अग्रीमेंट टू सेल कर लिया तो उसने स्टे ले लेना। अब देखिए ना, ये बातें आ गई रेलेवेंट, जो रेलेवेंट है और मैन टू मैन, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, मैं किसके लिए खड़ा हूं? अगर मैं सेलर के लिए खड़ा हूं तो ऑब्वियसली मेरी कोशिश होगी जो पार्ट कंसिडरेशन आ रही है वो हैवी आए। मैं बायर की तरफ से खड़ा हूं तो मेरी कोशिश होगी कि मेरे पैसे कम फंसे तो बेहतर है, पता नहीं आगे क्या सिचुएशन होने वाली है, पता नहीं क्या। ये सारी वो बातें हैं जो आप अपने क्लाइंट के सामने रखेंगे एज लॉयर, फैसला नहीं करेंगे लेकिन उसको इन्फॉर्म्ड डिसीजन करने के लिए आप बताएंगे तो सही ना कि सर ये चीजें जरा अहम होती हैं, इनको देख लीजिए। आप बेच रहे हैं तो आप मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि पार्ट कंसिडरेशन जो है ना वो हाफ से ज्यादा ही हो तो बेहतर है, और आप ये कोशिश कीजिए कि ये भी लिखवा लें ये, और ये ना आए तो आप पेनल्टी क्लॉज लिखवा लीजिए कि ऑल दिस मनी विल बी फॉरफिट हो जाएगी, वगैरह वगैरह। ये डिपेंड कर रहा होता है कि ये लॉयर जो बैठा हुआ है वो किस तरफ से है। जाहिर है थोड़ा टिल्ट, देखिए अच्छा एग्रीमेंट वही होता है जो बराबर हो, मगर नेवर द लेस जो लिखने वाला है उसके हाथ का, उसके कलम का झुकाव अपने क्लाइंट की तरफ जरूर होता है। अच्छा अगर मैं हूं सेलर की तरफ से, उस्मान की तरफ से, तो जाहिर है कि मैं टिल्ट इस तरफ बनाऊंगा, मगर आपने भी एक लॉयर किया होगा, देन ही विल कम अप एंड देन फिर बात होती। देखिए कमर्शियल डिसीजन करने के लिए भी आपका क्लाइंट आपसे मशवरा दरकार करे तो आपको पूरी बात, ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजन तक पहुंच सके, आपको बताएं कि सर ये बेहतर होता है कट ऑफ रखे। अनलेस के पार्टीज ये चाह रही हूं, अगर वकील की नालायकी से ओपन डेट रह जाती है, यानी ना उसने अपने अपने क्लाइंट को गाइड किया कि इसके क्या मुजबरात होंगे, क्या इसके प्रॉब्लम्स होंगे, फिर तो आप बैठे ही रहेंगे, और ना उसने पूछा, कुछ आधा आदमी था, हर तरह का आदमी आता है ना, तो आपका काम था कि जरा थोड़ा नॉक करके उसको पूछते कि सर ये 3-4 चीजें आप मुझे बताते जाइए, मैं नोट करता हूं, और फिर उसको छोटे छोटे मशवरे देते, उसको पूरे कॉन्सिक्वेंसेस से आगाह करते, उसके बाद भले उसकी मर्जी। देखिए जब एक चीज डिसाइड हो गई वो तो फिर दोनों पार्टीज मिलके ही डिसाइड करेंगी ना। हाँ तो दे कैन ऑब्वियसली अमेंड द डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट बेसिकली सेलर और बायर का है, वो वापस आते हैं, वो कहते हैं सर इसको हम बाहमी कंसल्टेशन से विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट वी वांट टू चेंज इट, दे हैव एवरी राइट टू चेंज इट। बाबा मेरा थोड़ी है एग्रीमेंट, मैंने तो कलम यहां रखा हुआ है, यहां से निकाल लूंगा, लिखना शुरू कर दूंगा, मगर जाहिर है कि मेरा क्लाइंट मेरे पास आया है तो आई विल नॉट ओनली वर्क एज अ क्लर्क कि टाइपिंग करना शुरू कर दूं, मैं जरूर उसको दाएं बाएं होके बताऊंगा कि सर ये आपके लिए कानूनन मुनासिब है।
नहीं तो एग्रीमेंट टू सेल के डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही तब्दीली भी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है? सेल डीड तो नहीं हुई ना, देखिए ये एग्रीमेंट है अभी, अभी ये कोई राइट तो क्रिएट कर नहीं रहा। एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट अ राइट और टाइटल और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, इट जस्ट ओनली गिव यू अ सी राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, या ये हो कि आप एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कर सकते हैं। दोनों पार्टीज आती हैं, एग्रीमेंट में कोई गलती रह गई है, दे वॉन्ट टू रीडिफाइन थिंग्स, दे हैव एवरी राइट टू। हाँ एक आदमी नहीं कर सकता, ये बिल्कुल क्लियर हो गई बात, क्योंकि राइट क्रिएट हो चुका है ना दूसरे का भी। दोनों आए दोबारा एग्रीमेंट कर ले, इसको कैंसिल कर दे, नया कर ले, टोटली नया कर ले, इसको अमेंड कर ले, एक क्लॉज बदल दे, टाइम को ऊपर ले जाए, कंसिडरेशन को रीफिक्स कर दे, हैव एवरी राइट टू। बाबा लॉ को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, अनलेस, देखिए लॉ को किसी कॉन्ट्रैक्ट में दिलचस्पी नहीं होती अनलेस के उसका ऑब्जेक्ट इलीगल हो जाए या किसी क्लॉज को जाके लॉ की हिट करता हो, वरना लॉ को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ एज लॉयर मेरा काम है कि मैं अपने क्लाइंट को जरूर बता दूं, अच्छा आप देखिए जो मैं पार्ट कंसिडरेशन दे रहा हूं मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए, भाई मैं पैसे दे रहा हूं। पिछले दिनों लॉ आया स्टेट बैंक ने और उसने वो किया कि जी 4 मिलियन से अबव की कंसिडरेशन हो तो दिस हैज टू बी थ्रू बैंकिंग चैनल, ट्रेल होगा, कैश से नहीं होगा। कि जी मैंने 1 करोड़ रुपया हाथ से ही वहां बैठे हुए थे तो मैंने निकाला और दे दिया, वो कहते हैं अब 4 मिलियन, और ये बदलता रहता है। हो सकता है मैं अब आपको 4 मिलियन कह रहा हूं जो आज से कुछ महीने पहले या साल पहले था, तो आप ये लिमिट ऊपर चली गई हो, मेरी बात को हरफे आकर न समझ लीजिएगा। यहां देखिए मैंने किस तरह से वो किया हुआ है, बाय वे ऑफ पे ऑर्डर डिस्प्यूट हो जाता है कि इन्होंने तो मुझे पार्ट कंसिडरेशन कभी पे ही नहीं की थी, फिर कैसे प्रूव करेंगे भैया? करुणे शहादत भी तो जहन में रखें, फिर करुणे शहादत में आपको मुश्किल पड़ेगी, तो बैंकिंग ट्रेल से चलें, डॉक्यूमेंट से चलें। आप बताएं एक ऐसी ट्रांजैक्शन जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपके बैंकिंग अकाउंट में भी आ रहे हैं उसके भी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में झलके, इनकार की क्या गुंजाइश होगी? तो ये काम है ना आपका, आपका मैं शहजाद की तरफ से खड़ा हूं, ये इतने पैसे दे रहा है, मैं कहूं सर ना दें, इस तरह ना करें, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर ये कल को इनकार कर गए ना तो आपको मुश्किल होगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के ये पैसे पे हुए थे। तो आप काइंडली चेक भी ना दें, पे ऑर्डर दें जो रिफ्लेक्ट करता, उनके लिए भी पे ऑर्डर बेहतर है कि आप मुकर ही नहीं सके। ये चीज आप देखिए नोट कर लिया। अब आप देखिए उसके बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखा गया है कि जनाब मैंने ये पार्ट कंसिडरेशन दे दी है, हाउएवर मैंने अभी भी पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, एग्जिट भी पड़ा हुआ है इसमें, जो मेरा भाई पूछ रहा था, अब मेरी जो क्लॉज 3 है एग्जिट है इसमें। एक शिदाब कहते हैं जी मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरह अभी चेक नहीं किया, मैं चेक करूंगा, और अगर मुझे आपके टाइटल में प्रॉब्लम दिखाई दिया ना तो देन सॉरी, ये मेरी जो पार्ट कंसिडरेशन आपने ली है ये आप वापस करेंगे, एंड देन देयर विल बी नो डील, थैंक यू। क्यों डिपेंड्स, अभी तो वही क्वेश्चन आ गया। अच्छा मैं इनकी तरफ से होऊंगा और इनका टाइटल खराब होगा तो मैं जरूर लिखवाऊंगा यार आपने मेरा वर्क जाया किया, आपने मेरे 25% या जो भी वट एवर द अमाउंट आई गेव यू हैव यूज्ड इट फॉर सो मैनी सो मच टाइम, तो आप जब अगर आपके टाइटल की खराबी निकली तो आप मुझे डबल वापस करेंगे। वो तहरीर में शामिल, जी तहरीर में शामिल हो सकता है, मैंने बताया ना ये हो सकती वाली सूरत हाल है, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टीज। वो कहते हैं नहीं जी नहीं कोई पेनल्टी क्लॉज नहीं होगी, सिंपल इनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, मैटर खत्म हो जाएगा। लीगली इस पे भी कोई इशू नहीं है, पेनल्टी क्लॉजेस एनफोर्सेबल है नहीं है, ये भी मसला है। देखिए पेनल्टी क्लॉज को एनफोर्सेबल करने के लिए आपको नेवरतलेस सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा ना, जब तहरीर हो जाएगी बीच में तो नहीं सर, तहरीर तो है कागज का टुकड़ा है ना, मतलब देखिए ना जब किसी के पास पैसे पड़े होते हैं तो वो तो बहुत आसान है, इनके पैसे इनके पास पड़े हैं, मे बी ही कैन से दैट कि जी मैंने तो ये फोरफिट कर लिए, इट हैज बिकम माइन नाउ। लेकिन फर्ज कीजिए ये नहीं दे रहे प्रॉपर्टी, अब पैसा भी इनके पास पड़ा है, ये कहते हैं कि जनाब आप डबल वापस करें या करें, तो इनको तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में या रिकवरी ऑफ मनी में ही जाना पड़ेगा ना, और तो कोई तरीका नहीं है। फिर वो कोर्ट देखेगी कि ये पीनल क्लॉज जो है ये अट्रैक्ट होती है कि नहीं होती, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या टाइम इसेंस है नहीं है, वो मामला और तरफ जाता है।
वैसे भाई ये मुआहदा हम कौन से कागज पे लिख रहे हैं और ये क्या किस पे क्या स्टैंप पेपर लगता है? देखिए जी, जब तक तो ये कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट नहीं था तब तक तो लोग 1200 के डॉक्यूमेंट पे इसको कर रहे थे, 200 पे भी कर रहे थे, आज भी लोग कर रहे हैं 200 पे इकरारनामा करके। लेकिन अब चूंकि ई स्टैम्प्स आ चुके हैं, आप अपना ये कंप्यूटर खोलेंगे, एनीबॉडी कैन डू दैट, आप अपना कंप्यूटर खोलेंगे, ई स्टैम्प की वो खोलेंगे, क्या होती है वेबसाइट, उसका लिंक लेंगे, वेबसाइट खोलेंगे, उसमें लिखेंगे, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्लिक करेंगे, लिखेंगे एग्रीमेंट टू सेल। जैसे ही एग्रीमेंट टू सेल लिखेंगे वो आपकी ऑप्शंस उड़ा देगा सारी। आगे आप लिखेंगे कंसिडरेशन एंड ही विल गिव यू कि जी आप इतना प्रोबेबली इट इज 0.1% इन दीज डेज और समथिंग लाइक दैट प्लस दैट 1200। और जैसे ही वो आपका एग्रीमेंट टू सेल का वो प्रॉपर निकालेगा उस पर एक बकायदा तहरीर भी आ जाएगी कि दिस डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरी रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 17, पहले नहीं आता था अंडर सेक्शन 17। वो आप पैसा पे करेंगे या उसका चलान बनाएंगे और उसको लेके जाएंगे बैंक ऑफ पंजाब के पास, बैंक ऑफ पंजाब ऑथराइज है, किसी ब्रांच में चले जाइए, कोई डेजिग्नेटेड ब्रांच का इशू अब खत्म हो चुका है, किसी ब्रांच में जाइए। उस खास रंग के कागज की भी जरूरत खत्म हो गई, व्हाइट पर भी इशू होने लग गया, वो बार कोड अहम है, उस बार कोड पर वो सारा मामला होना है। 32A का चलान जी सर, 32A का चलान जी, 32A का चलान तो आपने जमा करा दिया है ना, उसके नतीजे में आपको उसने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट सॉरी एक चलान वो स्टैंप पेपर क्रिएट करके दे दिया, वो बजाहिर किसी रंग का नहीं है लेकिन उसके ऊपर जो एक स्टैंप आ रही है कितना पैसा पे हो गया है और एक बार कोड लगा हुआ है, तो वो आपने लिया उसके ऊपर ये तहरीर कर दिया। अब आपने हुकूमत को वो पैसे, सरकार को वो पैसे जो इसके ऊपर ड्यू थे वो दे दिए और आपकी ऑप्शन उसने तकरीबन खत्म कर दी है। द मोमेंट आप ई में डालेंगे वो आएगा ही वही इंशाल्लाह, बायर अमूमन निकलवाता है, सेलर अमूमन, ये भी मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज बाद में जो मुकदमेबाजी होती है फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो केस का जिसका जिक्र का उसमें एक नुकता ये कंसिडर किया कि उसका आईडी कार्ड पीछे नहीं स्टाम्प फरोश के लिखा हुआ, उसका नाम या प्रॉपरली और उसने नहीं निकाला, ये सारी की सारी चीज़ें। बिल्कुल मैं अर्ज करूँ, जब पहले ये सूरत हाल थी तो वो ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी कि आप वो 32A का जो फॉर्म था वो जाके जमा करा के तो ट्रेजरी में से वो लेते थे और उसमें भी जाहिर आता है कि ये थ्रू किसके खरीदा जा रहा है। नॉर्मल मार्केट का ट्रेंड ये है कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है स्टैंप पेपर वही खरीदता है, बिकॉज इट इज गोइंग इन हिज फेवर, इट इज हिज डॉक्यूमेंट, नॉर्मल ट्रेंड ये है। लेकिन अब लॉ का बड़ा अजीब दिलचस्प मसला है, खरीदा इनके नाम पर जा रहा है बिकॉज प्रॉपर्टी तो बहरहाल इनकी है। अच्छा, अब जब डिस्प्यूट आ जाता है तो बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है कि यार Who's going, अब यानी वो पैसे वापस ले रहे हैं, ये स्टैंप पेपर जो है ना वो ज़ाया हो गए हैं, अब मुझे चाहिए वापस, पैसे उन्होंने जमा कराए हैं, खौफ ये है कि जो बेनिफिशरी है वो ये होंगे, तो झगड़ा तो हो चुका है, वाई विल ही गिव इट बैक टू हिम। इसलिए फिर नॉर्मली सूट्स का रास्ता देखा जाता है, कोर्ट्स का रास्ता देखा जाता है कि जनाब ये ओरिजिनली देखें स्टैंप पेपर मेरे पास से निकला है, इसके पैसे टेंडर मैंने किए हैं, ये देखें मेरे आदमी का नाम आगे बजरिया लिखा हुआ है एंड आई एम दी वन हु इज इन पोजेशन ऑफ दैट। फिर आप अपने राइट को इस्टेब्लिश करते हैं और वो वहाँ से आपको कुछ पैसे काट के उस स्टैंप पेपर वो वापस मिलता है। मैंने इसके सर 0.1 ऑफ दी ऑफ ये पिछले 30 जून से पहले था 0.1 ऑफ दी कंसिडरेशन अमाउंट जी 1200 प्लस है 1200 प्लस 0.1% ऑफ द कंसिडरेशन अमाउंट 1200 तो खड़ा है वहीं पर वो तो है उसके प्लस आपने देने हैं कंसिडरेशन अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो उसका तरीका मैंने आपको उसके ना ये भी उसने बहुत आसान कर दिया है आप पर से तो उसने हटा ही लिया है आप कंसिडरेशन अमाउंट डालेंगे वो निकालेगा ही इतने का आसान हो गया इससे ये भी हो गया कि आपके पास गुंजाइश वेरियन की खत्म हो गई वो चालान निकलेगा ही उतने का आप आपके आपकी जो ऑप्शन थी ना वो खत्म हो गई हाँ आप चालाकी से उसमें कंसिडरेशन अमाउंट कम डाल देंगे तो कंप्यूटर है आप कंसिडरेशन अमाउंट वही डाल देंगे जो डीसी रेट की है तो वो शरीफ आदमी उसी का ही कंप्यूटर निकाल देगा चालान ये बिल्कुल सीधी सी बात है लेकिन आपकी ऑप्शन बहरहाल खत्म हो चुकी है
अमाउंट आपने खुद डालनी है वहां पर, उस अमाउंट का वो निकल आएगा। और वो अमाउंट अगर कल को गलत साबित होगी तो जाहिर है आप भी फीड की होगी उसमें, तो जाहिर है यू विल बी लायबल, 10 times तक चला जाता है, जुर्माना जा सकता है, 10 times ऑफ द स्टैम्प वैल्यू, यानी 10 गुना दोबारा जमा कराएं, और डॉक्यूमेंट जो है वो भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है, और वो एविडेंस में भी नहीं पढ़ा जाएगा। करुण शहादत की तरह देखिए, किसी वक्त वो कहता है जी ये शहादत में नहीं पढ़ा जाएगा। तो जनाब हजूर इसमें ये हो गया कि जनाब ये जब मैं आपको ये पैसे दे दूंगा, आप तमाम कॉपी सेल डीड की, अपने प्रीवियस टाइटल डॉक्यूमेंट्स की मुझे दे दीजिएगा, मैं हर चीज को देखने के बाद विद इन इतने दिन आई विल बी बैक एंड आई विल ईदर परचेज इट फ्रॉम यू, एंड इफ देयर इज नो प्रॉब्लम इन योर टाइटल मैं आपको रिमेनिंग अमाउंट जो है वो दैट कट ऑफ डेट से पहले पहले दे दूंगा। आपने लव्स कॉपीज इस्तेमाल किया ओरिजिनल्स मेरे ख्याल में शायद जी, ओरिजिनल तो सी करना है ना सर, ओरिजिनल को आप सिर्फ देख सकते हैं। अगर आप खरीद रहे हैं तो ओरिजिनल टाइटल डॉक्यूमेंट आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में देखा है कि बाद में मॉर्गेज के लिए वो MODT में डिपॉजिट कर रहे हैं उसके साथ। देखिए अगर 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 उस्मान मियां बेच रहे हैं और सिर्फ उधर से 10% वैल्यू आई है तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इनको दे तो नहीं देंगे, दैट इज अगेंस्ट देंगे एग्रीमेंट टू सेल। हाँ हाँ वो तो लिखा हुआ है कि जब 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 मैं सेल डीड करूंगा मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको दे दूंगा, बट एट दिस स्टेज आपका राइट बन गया है कि आप इसको एग्जामिन करें, यू शुड सी देम आफ्टर द फुल पेमेंट। यस नहीं नहीं सर पार्ट पे भी कि जनाब आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है भी कि नहीं, कॉपीज तो आपने मुझे दे दी, वो कॉपीज तो मैं रेलेवेंट डिपार्टमेंट से जहां से भी मुझे ड्यू डिलीजेंस करनी होगी, वेरिफिकेशन करनी होगी, वो मैं करूंगा, बट एट द सेम टाइम आई शुड आस्क हिम इफ ही इज होल्डिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ये ना हो मैं सारी ड्यू डिलीजेंस करके आऊं, सर्टिफाइड कॉपियां निकलवाऊं, उसको मिलाऊं और जब आऊं कि जनाब मैं आपके साथ कंपेयर करना चाहता हूं, आपके यार ओरिजिनल तो गुम हो गए हुए, बड़े जमाना हो गया गुम हुए। जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर इनके पास नहीं है तो उसके कितने मुजबरात हो सकते हैं, हो सकता है प्रॉपर्टी पहले से बेच दी गई हो और वो डॉक्यूमेंट वो उसके पास चले गए हों, हो सकता है क्योंकि ये जेब में रखे पाकिस्तान में जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है वो सिंगल ट्रे नहीं है, ट्रांजैक्शन बेस्ड है, वहां पर अगर इन्होंने 2 साल पहले बेच दी हुई है तो आपको पता नहीं चलेगा, आप मैन्युअली तो एक 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 करके वो बुक्स खोल के नहीं देख सकते कि ये हुआ है कि नहीं हुआ, स्कैन तो अब होना शुरू हुआ है ना, ये स्कैनिंग प्रोसेस और ये कंप्यूटराइजेशन तो अभी कुछ सालों से शुरू हुआ, तो अगर ये कहीं वे बैक एंड 2000 बेच चुके हैं यू कैन नेवर नो दैट, या इन्होंने वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनली कहीं जमा कराए बैंक में और वहां मेमोरेंडम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड हुआ और प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो गई, अब नाउ ही इज नॉट होल्डिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो ऐसी सूरत में सर मेरा काम ये है वकील का, अब ये भी कोई बात उस आदमी को तो नहीं पता होगा, ये मैं उसको बताऊंगा कि सर इसको तो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, वी शुड लुक इन टू दीज डॉक्यूमेंट्स, और फिर एक लिस्ट बनानी चाहिए हमें कि जनाब इनके पास ये 6 डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल मौजूद हैं जो ये मुझे फलां दिन दे देंगे और ये उस पर साइन करें कि हाँ ये 6 मेरे पास है, आई एम होल्डिंग दीज डॉक्यूमेंट्स। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि वो लिस्ट अलग से बने, और अगर मुनासिब हो तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 11 पे देखिए, इस मेरे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि जनाब पीसफुल वेकेंट फिजिकल पोजेशन तो मैं करूंगा ही जब एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड करूंगा, मोर ओवर द सेलर शुड बी बाउंड टू प्रोवाइड द परचेजर विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दूंगा, बाउंड हूं कि ये मैं आपको ओरिजिनल से, ये लफ्ज देख रहे हैं कॉपीज नहीं आ रहा, 1, 2, 3 ओरिजिनल सेल डीड, ये कोई प्रॉपर्टी होगी जिसमें फर्द आ रही है बिकॉज ये कोई रूरल प्रॉपर्टी होगी जो उसका मेरे पिछले सामने फॉर्मेट है, बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स ये मैंने इसके अंदर लिखा हुआ, अलग से लिस्ट भी बन सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है, तो सर मुझे बताइए ना, देखिए ना शहजाद को बताइए, इन्फॉर्म द CNN है ना, वो उसके बाद भी लेना चाहते हैं, उनका लॉयर जो है वो जाता है उसकी अलग से ड्यू डिलीजेंस करता है, उनसे पूछता है कि भाई गुम हो गए हैं तो आपने कोई पुलिस रिपोर्ट करवाई है, कोई आपने अखबार में इश्तिहार दिया है, क्या किया है, और उसके बाद नॉर्मली क्या होता है मार्केट का ट्रेंड यही है कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू वो नहीं रहती, सिंपल एज दैट। मैंने अर्ज किया आखिरकार फैसला सेलर और बायर ने करना है, मेरा काम क्या है, मैं सेलर की तरफ से हूं तो उसको नेको बद हजूर को समझाए दूं और इनको भी
eventually if they come up with that ke sir koi fark nahi padta sir main buyer hu aur mujhe pata chalta hai ki iski irregularity mistake ho gayi ji main apne aap ko teen buniyadi nuktos par cover kar dunga bhai aap dekhiye na yahi baatein jo is pe likhi hui hai isi mein ek para izafa kare ki ye mera gum ho chuka hai ये मैंने इसके ऊपर ये और ये और ये काम किए हैं मैंने पुलिस रिपोर्ट किया है मैंने अखबार में इश्तहार किया है जो मैं साथ ऐड कर रहा हूँ दूसरा इस एग्रीमेंट के बाद आपका एक राइट बन जाता है आपने पार्ट पेमेंट दी हुई है अखबार में इश्तहार दीजिए और ज़ोरदार अखबार में इश्तहार दीजिए कि ये मैं ख़रीद रहा हूँ एनी इंस्टीट्यूशन एनी पर्सन एनी वन हु हैज़ एनी ऑब्जेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेल ऑफ दिस प्रॉपर्टी मस्ट कम अप ताकि मुझे भी मालूम हो कि मैं कहाँ हूँ नहीं हर देखिए ना यही तो मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी ये डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली बदल जाएंगे अगर रूरल प्रॉपर्टी नहीं होगी तो देखिए ना अब जो नाइन फेन की बात हम कर रहे थे यहाँ फर्द नहीं आएगी पीटी वन आएगा यहाँ देखे ना ऊपर लिखा हुआ है फर्द लिखा हुआ है अक्ष शजरा लिखा हुआ है पता नहीं क्या वो तो अब डिपेंड करता है ओरिजिनल नॉन इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट एक इंतहाई बेकार और बेमानी डॉक्यूमेंट है और एक मिथ के तौर पर लिया जाता है तमाम बुकला हजरात देते हैं और बैंक्स तो बहुत शौक से ये काम करते हैं कि जी नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि कराची में नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट या जिसको सर्च रिपोर्ट कहते हैं वो वहाँ पर हालात थोड़े से हमसे बेहतर हैं वो अपनी पूरी वो देखते हैं कि क्या इस पर कोई डॉक्यूमेंट मॉर्गेज का या सेल का हो तो नहीं चुका होने के बाद अपनी एंट्रीज देखने के बाद एक सर्च रिपोर्ट देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी इंटैक्ट है और अभी तक उस्मान ही के नाम पर है हमारे यहाँ पंजाब में ऐसा नहीं है पंजाब में अगर आप वजिद होंगे कि जी उस्मान साहब आप अपने नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट देंगे इस प्रॉपर्टी पर कोई इनकम्बरेंस नहीं है तो उस्मान मियाँ जाएंगे और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे उसको सब स्टार को साथ अपना आईडी कार्ड दिखाएंगे और कुछ स्पीच बनी देंगे तो वो बन जाएगा वो अपनी एंट्रीज नहीं देखेगा हजूर और वो नीचे लिखेगा भी यही कि दिस एनईसी इज इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट गिवन बाय उस्मान अब पाकिस्तान जैसे मुल्कों में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एफिडेविट तो क्या यहाँ तो इल्हामी किताब उठा के भी लोग झूठ बोल देते हैं तो बस वो एफिडेविट यानी उसकी कोई कानूनी हैसियत तो फिर ना हुई क्योंकि सब रजिस्ट्रार ने या रजिस्ट्रार जो कस्टोडियन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है उसने उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई उसने कहा ये मैं बेसिस ऑफ एफिडेविट जारी कर रहा हूँ दैट्स इट यानी ये इसका नुकसान उस्मान को तो होगा क्या हम उसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे कि जनाब आपने एक झूठा डॉक्यूमेंट दिया लेकिन हमें बहुत फ़ायदा नहीं होगा कराची में जो सर्च रिपोर्ट देगा नॉर्मली द रजिस्ट्रार नहीं सर रजिस्ट्रार जिसके पास डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते हैं वही देख के बता सकता है ना कि इस प्रॉपर्टी पर कोई फर्दर डॉक्यूमेंट रजिस्टर तो नहीं हुआ हाँ वो ये डॉक्यूमेंट देने से पहले रूरल में क्या करता है वो तहसीलदार से रिपोर्ट लेता है कि यार अपना तहसील का जो रिकॉर्ड है रेवेन्यू का वो चेक करके बताएं कोई इनकम्बरेंस तो नहीं है दूसरा ये बड़ी लिमिटेड होती है देखिए हम सब लॉयर्स यहाँ बैठे हुए हैं अगर केस कोई चल रहा है इस प्रॉपर्टी की बाबत क्या कोई फोरम है जिससे मालूम हो जाए ये केस है लाहौर में चल रहा है किसी प्रॉपर्टी की बाबत इसी नाइन फेन का आपको मालूम हो सकता है कोई तरीका है कोई नहीं क्या आप सीनियर सिविल जज को ये दरख्वास्त दे सकते हैं कि सर मैं जानना चाहता हूँ कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई स्टे तो नहीं है वो कहेगा मेरे पास तो ऐसा कोई फोरम ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जहां से मैं चेक करूं और बताऊं कि दिस प्रॉपर्टी इज अंडर लिटिगेशन और नॉट तो एनकम्बरेंस का भी जो टूटा फूटा पता चल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट वो भी फ्लिमजी है और लिटिगेशन का तो पता चल ही नहीं सकता इसीलिए तो बड़े जोरदार अंदाज में इनसे लिखवा रहे थे हम कि जनाब नहीं है कोई लिटिगेशन नहीं है कोई एनकम्बरेंस ताकि कल को ये स्टेटमेंट इनके खिलाफ इस्तेमाल की जा सके फ्रॉड के सिलसिले में जी सर ये अगर वैसे हम तो ये कह रहे हैं इंतहाई बेकार बेफिनी कर लेकिन अगर पहले से हमने ये ले लिया हो ना इससे सेलर से तो हमारे लिए ये बहुत ही खड़े पंजाब में बात करें पंजाब में सर्च रिपोर्ट नहीं देते ना सर सिंध में सर्च रिपोर्ट देते हैं और वहाँ लेनी चाहिए क्योंकि वो प्रॉपर रिपोर्ट है मगर पंजाब में चूंकि रिपोर्ट देते नहीं सर्च रिपोर्ट ये डायमंड
जी ऑब्वियसली इट इज, देखिए असूली तौर पर तो देखिए ना, पूरी दुनिया में सर यही होता है, तमाम दुनिया में चूंकि सिंगल ट्रे होता है, आप रजिस्ट्री में जाते हैं, इंग्लैंड में भी यही सूरत है, आप रजिस्ट्री में जाते हैं, वहां दरखास्त देते हैं, वो आपको सारी लेकिन वहां पे तरीकेकार मुख्तलिफ है ना सर। मैं ट्रांजैक्शन बेस्ड रिकॉर्डिंग करता हूं, वो एक प्रॉपर्टी की एक सिंगल ट्रे बनाते हैं, जो आपके यहां भी हो रहा है, मतलब आप DHA में जाएंगे तो वहां एक एक वो फाइल निकालेगा उस प्लॉट की, तो उस प्लॉट के पैदा होने से बड़े होने तक अब तक की सूरतें सब एक जगह पड़ी होगी, तो उससे जब आप वो NOC लेंगे ना या NDC लेंगे फ्रॉम DHA, बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट होगा, उसके बगैर ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी। मॉल टाउन सोसाइटी में जाएंगे कॉपरेटिव में, तो यू विल हैव टू गेट एन NOC फ्रॉम द मॉल टाउन सोसाइटी, वो भी सिंगल ट्रे है, LDA भी सिंगल ट्रे है। अब देखिए ना, ये वो बात है जो मैं अपोर्ट करता कि इसको फॉर्मेट ना समझे। 9 Fane Road के कॉन्टेक्स्ट में तो थोड़ा बहुत बता दिया हजूर आपको, इसी शहर में 50 किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, आप कॉपरेटिव सोसाइटीज में डील कर रहे होंगे ऑल टुगेदर, जो अभी पूछ रहे थे आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इससे पूछने लगा था आपसे कि हर इलाके का अलहदा अलहदा यहाँ पे सिलसिला है, अगर फॉर एग्जांपल वो एवैक्यू प्रॉपर्टी है yes. तो उसका मुकम्मल तो मुकम्मल डिफरेंट PT1 ये सारे के सारे मुआहदों में आपको तय में जाना पड़ेगा, यही तो वकालत है भाई। देखिए हमने तो सिर्फ एक लिमिटेड सा पोर्शन उठाया और असूली बातें तय की सिर्फ आज, जब आप प्रॉपर्टी वाइज करेंगे, देखिए यहां पे अभी तक सारी बात हुई है विद इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लेकिन जैसे ही आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम कर रहे होंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925 रेलेवेंट हो गया ना। द मोमेंट आप DHA में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2002 रेलेवेंट हो गया, अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है रेलेवेंट, आपको मालूम होना चाहिए। आप LDA में जा रहे हैं तो LDA एक्ट जो है 74 या 75 का जो है वो रेलेवेंट हो गया, अब आपके यहाँ मुझे LDA एक्ट पता ही नहीं, मैं तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भेज रहा हूँ। फाइलें एक इजाद है, अल्लाह का करम है इस मुल्क पर, फाइलें एक इजाद है जिनका किसी किस्म का कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी एक वो जो बात अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन मौजूद ही नहीं है, अभी प्लॉट मौजूद ही नहीं है, अभी एक सिर्फ एक राइट क्रिएट हुआ है, उस राइट की बाबत खरीदो फरोख्त हो रही है, जिस तेजी के साथ वो प्रैक्टिस डेवलप हुई उस तेजी के साथ लॉ डेवलप नहीं हुआ। यानी आप लफ्स आप फाइल डालेंगे कहीं अपनी रिसर्च कर रहे होंगे जब पाकिस्तान लॉ साइट पे या किसी पे या किसी बुक को खोलेंगे तो फाइल तो ना ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में नजर आएगी, ना DHA के ऑर्डर में नजर आएगी, ना LDA में नजर आएगी, मगर फाइलें बिक रही होंगी। आप सोचेंगे यार इसकी कोई, जैसे मैंने अभी आप पर शर्त लगा दी थी कुछ देर पहले कि जो बात भी करनी है ना दायरे में कानून के और उसके रेलेवेंट सेक्शन से बात करनी है। अगर आप मुझसे पूछे फाइल तो मेरे पास तो कोई कानून है ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं है लफ्ज, लेकिन बाहर शहर में आग लगी हुई है, फाइलें ही खरीद रहे हैं लोग जी, तो इसीलिए तो आपको कुछ कुछ अरसे बाद खबर आती रहती है कि फलां ने 2 अरब, फलां ने 4 अरब, बहरिया ने 453 अरब का कहा कि जी तो हम पेनल्टी पे करेंगे, तो जो लेवल ऑफ इनकम था उसको आप कहां जाके सोचेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि 453 समथिंग आई बिलीव वी विल पे एज पेनल्टी अ पार्ट ऑफ इट, एंड दिस सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड आपको याद है ना 1500 से कि 1500 बिलियन आप दें, उन्होंने कहा कितने बिलियन, मतलब मेरे जैसा आदमी जरा काउंट करने में मुश्किल होती है, 453 बिलियन उसने कहा मैं दे दूंगा टू रेगुलराइज इट नॉट मोर देन दैट, तो फिर वो ऐसे ही है फाइलों से फिर ऐसे ही। अच्छा एग्जीक्यूट ये कैसे होता है, ये विटनेस वगैरह एक आपका एक मेरा होना चाहिए किस दोनों में? आप देखिए ये बड़ा बहुत मजेदार बात, मार्केट ट्रेंड, AG एक विटनेस इनका हो एक उनका हो, अगर मैं वकील हूं मैं तो हमेशा, और मैं सेलर की तरफ से हूं, मेरी ख्वाहिश क्या होगी दोनों सेलर के हों। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्यूमेंट डिस्प्यूट हो जाता है तो मेरे दोनों जो मार्जिनल विटनेस है हाशिए के गवाह मेरे साथ खड़े होने चाहिए, वरना क्या होगा एक उस्मान का है एक शहजाद का है, वो उस्मान वाला बिल्कुल मुख्तलिफ बात करेगा और शहजाद, लेकिन मार्केट ट्रेंड क्या है एक इनका हो तो लॉ ने तो ऐसी कोई चीज नहीं रखी हुई और ना ही लॉ में कोई बंदे डिटर्मेंट है कि ये बंदा उस्मान का है, तो कोई ऐसी कोई फ्यूडल सिस्टम तो है नहीं, औरतें हो सकती है सर वाली बात तो नहीं आप इस्तेमाल नहीं मुझे नहीं पता पता पूछ रहा हूँ और हो सकती है उसकी रीजन क्या है कम से कम दो होना चाहिए
विटनेस दो चाहिए हमें, एक विटनेस नंबर वन जो है वो औरत ने साइन कर दिया, विटनेस नंबर टू मर्द ने कर दिया, क्या ये कंप्लीट हो गया डॉक्यूमेंट कानूनी शहादत के मुताबिक? वजह ये जवाब मेरे भाई ने दिया। नहीं 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 उसका नहीं मुझे पता सर, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं वो सुन रहा हूँ, फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, औरत की गवाही आधी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में है जो ये मेरे भाई ने बताई है, कत्ल में उसकी गवाही पूरी है और दीगर चीजों में पूरी है, वो जो फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में जो आप फरमा रहे हैं, एक भूले तो दूसरी बता दे, ये फ्यूचर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जी 100%, 100%, बिकॉज इसमें ये तय हो रहा है कि इतने पैसे दे दिए हैं और इतने देने हैं भी। अगर एक पार्टी सेलर के अंदर से या बायर के अंदर से पर्दा नशीन है तो उसकी क्या खास एहतियात होनी चाहिए, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो उसकी क्या? देखिए जो पर्दा नशीन का किस्सा है वो जरा कानून शहादत पर नजर रखिए, पर्दा नशीन है, अनपढ़ है वो, अब चूंकि ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है फर्ज कीजिए, तो जो भी इसको रजिस्टर कर रहा है, इफ दे आर अपेयरिंग बिफोर द सब रजिस्ट्रार रूबरू, देन आपने गौर किया होगा इसके ऊपर लिखा जाता है और कोर्ट्स में भी लिखा जाता है, अगर आपने कोर्ट्स में कभी बयान कराए हो तो आखिर में क्या लाइन लिखी जाती है, जल्दी जल्दी सर, सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया, और सारी जिम्मेदारी किस पे चली जाती है? ऑथर पे, कि जनाब मैंने ये जो लिखा है इस आदमी को पढ़ के सुनाया, बिकॉज ही कांट रीड इट। पर्दा नशीन का भी बोरोलेस ये मामला है, अनपढ़ का भी यही मामला है कि जनाब मैंने खुद पढ़कर इस डॉक्यूमेंट के जब पीछे एग्जीक्यूशन की साइग्नेचर्स होते हैं उसके ऊपर बकायदा लिखा जाता है, रजिस्ट्रार अपनी रिपोर्ट लिखता है कि द पार्टी इज अपेयर्ड बिफोर मी, और रजिस्ट्रार और लाहौर में एक रिवाज है लोकल कमीशन का, वो ही वर्क्स एज अ रजिस्ट्रार, वो अपनी बकायदा रिपोर्ट लिखता है कि इतने बजे ये इतने लोग उस्मान शहजाद और दो ये फलां गवाहान मेरे रूबरू पेश हुए, और मैंने ये सारी बात आदि जो लिखी हुई है उसमें, इतने की ये ज़मीन या ये इतने की इस कंसिड्रेशन पे उसने बेचने का इकरार किया और उसने ख़रीदने का इकरार किया, और इतनी अमाउंट मेरे सामने दी गई, और फिर नीचे सुनकर दुरुस्त तस्लीम, पूरा बयान उसी तरह लिखा जाता है जिस तरह कोर्ट में लिखा जाता है, तो सुनकर दुरुस्त ये, उसके बावजूद गलती हो सकती है क्योंकि हो सकता है पढ़ने वाले ने गलत पढ़ा हो और सुनने वाले ने ये लिखने वाले ने कुछ और लिखा हो, देखो पूरी जिम्मेदारी इस मामले में ऑथर पे चली गई, इसीलिए हजूर जब कानून शहादत आता है और आपने कुछ डॉक्यूमेंट प्रूव करना होता है तो उसके अंदर एक पूरी तकनीकाकार दिया हुआ है कि डॉक्यूमेंट प्रूव कैसे करना है, हाशिए के गवाह, मार्जिनल विटनेसेस, एंड देन क्यों बुलाया जाता है ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, फिर लिखा किसने है, फिर अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो इसका मामला थोड़ा प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ जरूर आएगी, मगर जिम्मेदारी उसकी है जो कह रहा है कि मैंने ये आई रेड इट, मैंने इसको बताया कि आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है, इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आई टोल्ड हर, मैंने इसको मुजमरात से आगाह किया, उसने सुनकर दुरुस्त तस्लीम किया, और उस चीज़ से बचने के लिए अब तो ये भी किया जा रहा है, आपने देखा हो कि तस्वीर लगाई जा रही है बाकायदा, अब ये आगाज हुआ था, वैसे तो रजिस्ट्रेशन एक्ट हमेशा से ही कहता था कि ये काम करना चाहिए, बट देन ये जो सोसाइटीज़ थी खासतौर पे DHA वगैरह, इन्होंने ये ट्रेंड बिल्डअप किया कि वीडियो भी बनानी शुरू की, तस्वीरें भी लेना शुरू की, और अब आपने देखा कि कानून शहादत में भी अकॉर्डिंगली तब्दीलियाँ आ रही हैं कि इन चीज़ों को बाकायदा एज एविडेंशरी वैल्यू तस्लीम किया जाने लगा है, तो अगर अक्लमंद होगा वो जो ऑथर है और जो वो तहरीर करवा रहा है और अपनी जान बचाना चाहता है तो उसके लिए बेहतर है कि वो इन चीज़ों को बनाए और उन तस्वीरों को साथ वहाँ पे पेस्ट करे। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सेलर अगर जाके वहाँ जी फिर उसकी जिम्मेदारी होगी ना, लोकल कमीशन विल वर्क एज अ रजिस्ट्रार, तो उसमें मैं अगर उन दोनों का लोकल कमीशन बनता हूँ और इनके साइन करके मैं खुद जाके वहाँ जी आप ही करेंगे, जाहिर है जी आप ही करेंगे, अगर आप लोकल कमीशन हो गए तो फिर ये तहरीर जो मैंने अभी ऑब्वियसली बट देन ऑब्वियसली सर आप परमिशन लेंगे, सब स्टार आपको अपनी जगह कुछ इख्तियार दे देगा, मगर उन इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल तो आप नहीं कर सकते ना, इंशाल्लाह पर्चा हो जाएगा आपके खिलाफ।
रोजाना होता है सब। नहीं नहीं, मैं अल्लाह माफ करे, आप ही की बात है, नहीं ये बड़ा अहम है। स्क्राइब कौन होता है सर? इनको एक पार्टी एग्रीमेंट टू सेल को डिनाई कर देती है, कोर्ट में साबित करने का क्या तरीका है? कौन से रेलेवेंट बंदे आपको रखने? मैंने बताया ना, मार्जिनल बेट, कोई डॉक्यूमेंट भी डिनाई हो गया है तो आपको ऑथर पे को पेश करना चाहिए, मार्जिनल विटनेसेस को पेश करना चाहिए जो हाशिए के गवाह है, और एक चौथा आदमी भी हो सकता है। वो कौन? दो तो वो हो गए जिन्होंने साइन किए हुए हैं पहला काम, एक वो जिसने लिखा है, वो चौथा कौन हो सकता है? स्टैम्प वेंडर। तो आजकल किस्सा खत्म हो गया ना बाबा, आप तो आपने कंप्यूटर पे डाला और वहां से वो ले लिया, तो वो स्टैम्प वेंडर वाली कहानी तो हो गई खत्म। हाँ जी, आपने क्या कहा? आप नहीं, आप खुद तो है ही है ना, आप जहरा, आपने तो अपने हक में गवाही देनी है। मैं रिपीट करता हूं, दो गवाह हाशिए के, एक ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है? अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर है तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रार, ठीक हो गया। नो, मौके का गवाह, मतलब मैं मार्जिनल विटनेस तो नहीं हूं, मार्जिनल विटनेस तो दो ही होने देना सर, लेकिन मैं मौके पे मौजूद था, आई वॉज देयर, इट हैपेंड बिफोर मी, आई वॉज द वन हु वॉज सी देयर, बिल्कुल ये ट्रांजेक्शन हुई है। अब अगर ये क्रॉबरेट कर जाता है, मार्जिनल विटनेसेस प्लस ऑथर प्लस द विटनेस जो मौके पे आई विटनेस है, इफ ये तीन चार चीजें क्रॉबरेट कर जाती हैं, फाइन, यू आर होम। मैं एक तो दुआएं वो है, तो बाकी दो, अगर तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसके पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी ले गए आप ऑब्वियसली उस सारे प्रोसेस को भी खंगालेंगे जिसके तहत ये रजिस्टर्ड हुआ था। देन अगर ये लोकल कमीशन के थ्रू हुआ था, दैट लोकल कमीशन इज ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस। फिर मैंने जैसे भी अर्ज किया, मैं मार्जिनल विटनेस नहीं है वो आदमी, मगर मौके का गवाह है। मैंने अर्ज किया ना, भी मार्जिनल विटनेस तो दो ही हो सकते हैं ना, but then there is someone who was there जब ये ट्रांजेक्शन हो रही थी। दो से ज्यादा हो सकते हैं मार्जिनल विटनेस? हाँ, क्यों नहीं हो सकते, दो तो वो है ना जो, नहीं कम नहीं हो सकते ना, दो से कम पे, कम पे तो फारिग आप। हाँ, कम नहीं हो सकते, ज्यादा तो हो सकते हैं। सर अगर जो विटनेस है, अगर ब्लड रिलेशन, अगर आपके दो विटनेस हैं जी, आपके सगे बहन भाई हैं, ये ब्लड रिलेशन है, हाँ वो देखा जा सकता है कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, बट देन देयर आर, इट्स अ नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है ना, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स पे डिपेंड करता है। सेकेंडली, जैसे मैंने भी आपको थोड़ा बताया, FBR ने या उसने रखा, उसने कहा 4 मिलियन से ऊपर की ट्रांजेक्शन है तो देन इट मस्ट कम थ्रू बैंकिंग ट्रेल। अब अगर आपके पास बैंकिंग ट्रेल मौजूद है, आप अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट लाते हैं, आपने वो पे ऑर्डर दिया हुआ है, यू प्रोड्यूस इट बिफोर दैट, इस पे ऑर्डर का नंबर आपने सेल, अब यही तो वो बातें थी जब आप लिख रहे थे, तो मैंने क्या कहा कि यार इसके अंदर पे ऑर्डर का नंबर इसके अंदर लिखिए कि मैंने इससे वायर पेमेंट उससे हुई है, और इससे भी बेहतर करेंगे कि लिखने के बाद उसके सेकंड या थर्ड पेज पे उसको पेस्ट कर दें उसकी कॉपी को, एंड देन बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, यू कैन ऑलवेज आस्क द बैंक टू कम बिफोर एनी कोर्ट, कोर्ट से बुलाइए उसको और वो अपनी, वो अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर आएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से बताएगा कि ये पैसे कहाँ से निकल के कहाँ गए। तो ये सारी चीजें जब एक वेब की सूरत में सामने आएंगी, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सेलर टू से कि ये पैसे मुझे नहीं आए थे। हाँ, आप कानून के मुताबिक नहीं चलेंगे, आप अपने देसी पाकिस्तानी टिपिकल अंदाज में काम होता रहेगा कि 4 मिलियन के प्लस की ट्रांजेक्शन भी कैश पे हो रही है। अब अगर इन्होंने ये कैश दिया है तो वो पुराने जमाने में जैसे फिर मौके के गवाह आते थे, वो बताते थे कि जनाब इतने पैसे थे, इतनी 1000 के नोट थे, इतने 500 के नोट थे, फिर उसको क्रॉबरेट करना पड़ता था। इफ़ यू आर मेकिंग योर सेल्फ डिफिकल्ट, बच जाइए आप अपने लिए, अगर मुश्किल का बायस बन रहे हैं तो ज़रूर बनिए, लेकिन अगर आप कानून के मुताबिक चलेंगे, ये एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर हुआ होगा, ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रेल के थ्रू ही होगी, ट्रांजेक्शन ओरिजिनल होगी उस पर होगी, ये नहीं होगा कि एग्रीमेंट टू सेल डीसी रेट पर है और वो आपने पैसे एक्चुअली ज़्यादा दिए हुए हैं, तो जाहिर है टेक्निकली तो उनको वही आए ना जो बैंकिंग उससे आए, बाकी पैसे तो फिर अंडर द टेबल दिए गए थे। इफ़ यू आर मेकिंग योर सेल्फ योर लाइफ मिजरेबल, प्लीज़ गो अहेड। लॉयर का काम ये है कि उसको बता दें कि ये मुश्किलात होंगी अगर आप ये काम पैसे लिखवाएंगे, तो फिर टेक्निकली उतने ही पैसे गए होंगे, उसके बाद भी पार्टीज जो करती हैं करती रहे, पाकिस्तानी सिस्टम है, बट देन वी आर सपोज टू गिव देम ट्रू इंफॉर्मेशन एंड देन दे आर सपोज टू टेक अ कॉर्पोरेट डिसीजन ऑन दैट कि उन्होंने क्या करना है।